पट्टी पे नाम लिखा रहता है, ठीक है ना, मार्बल वाला पट्टी पे, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स, दीज आर द मेजर सोर्सेस फॉर कौन सा सम 44। इसमें तुम लोगों को ये सब कम आएगा, सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं होता है, एंट्रेंस फीस, लाइव सर इतना बड़ा सम आता है एग्जाम में, इतना बड़ा आ सकता है 15 मार्क्स। यस एक्चुअली वो तुमको एक लाइन में दिया है ना सब ऊपर नीचे, इसके लिए बड़ा लग रहा है, उसमें डिवाइड कर दूं दो साइड पे तो छोटा हो जाएगा, बड़ा है नहीं। From the following balances and particulars of a public college, that's a college, school college, it's similar. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2016 and a balance sheet as on that date. Okay. Let's start. ध्यान से देखना. Question में normally क्या दिया रहता है? Normally you have receipt and payment account. Normally you have receipt and payment account. Is this a receipt and payment account? No. Trial balance. As I told you, many of the modern NGOs and all who are maintaining computerized accounts and all, unka normal process hi rehta hai, normal business ke jaisa. Journal, ledger ya subsidiary jo bhi hai, then trading hai to, and then trial balance and then final account. Normal process se hi jata. Shuru mein maine bola tha, if you remember. हम लोग पुराना सिस्टम थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए ये रिसीट पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल स्टिल इन इंडिया मेनी बिजनेसेस मेनी ऑर्गेनाइजेशंस दे आर फॉलोइंग दैट। तो रिसीट पेमेंट ही बनाते हैं, उसके बेसिस पे भी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ओके, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस यू प्रिपेयर योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड योर बैलेंस शीट। ओके, Nika normal final account job. So let's start the markings. Let's start the item. Seminars and conference receipts. Seminars and conference receipts. Kahan pe jayega Himangi? Income. Seminars and conference receipts are income. Consultancy receipts also income. Security deposit of students. Thoda dimag lagana. Security deposit of students. Liability, not asset. Security deposit of student मतलब आप लोगों से कोई deposit ली गई है, कोई refundable है, library वगैरह की deposit होती है, आप भरते हो, जो refundable होती है, कोई लेता नहीं है वापस, but होती है, अगर आप पूछोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो security deposit होती है, कोई कोई gym खाना में होती है, कोई library में होती है, तो credit side पे amount भी दिया, वो भी hint है, okay? That's your liability. Advance में आया, वापस देना बाकी. कैपिटल फंड और ओपनिंग कैपिटल फंड दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है. रिसर्च फंड, वेयर विल पुट रिसर्च फंड, ऑल फंड्स आर लायबिलिटी. बिल्डिंग फंड का पर्पस बिल्डिंग बनाना है, रिसर्च फंड उसका पर्पस रिसर्च पे एक्सपेंस करना, स्पेंड करना है. प्रोविडेंट फंड दैट इज ऑल्सो लायबिलिटी, बुढ़ा रिटायर हो गया एम्प्लॉय, ग्रेच्युटी फंड लिखा था हमने कल, ओके, उसको पे करना है वहां से. ट्यूशन फीस रिसीव्ड आर आई थिंक इनकम, मेजर सोर्स ऑफ इनकम. गवर्नमेंट ग्रांट्स कुछ नहीं दिया है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में तो क्या करोगे? इनकम कम में डालोगे, और गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में कुछ दिया भी नहीं है, दैट इज इनकम. डोनेशंस के बारे में दिया है क्या? डोनेशंस के बारे में भी कुछ नहीं दिया है, इनकम. Interest and dividend on investments income. are also income. Hostel room rent, hostel room, hostels रहते हैं उसके room का rent income हो जाता है college के लिए. Mess receipts net, mess receipts, mess means खाने पीने की जगह, उसका net कम अगर वो receipt minus expense net दिया हुआ है, okay? वो भी receipt है net, college का fund में जाता है, कौन जगह से पैसा आ रहा है college. कॉलेज स्टोर्स सेल्स, कॉलेज स्टोर सेल्स, कॉलेज स्टोर सेल्स का मतलब, कॉलेज स्टोर सेल्स का मतलब इनकम. या इनकम है वो तो समझ में आ गया, का मतलब क्या होगा? कॉलेज स्टोर,
कुछ सेल हुआ है कॉलेज में से. कॉलेज ने तुमको कभी कभी बोलते हैं ना, ये बुक खरीदो, प्रोजेक्ट बुक खरीदो, असाइनमेंट बुक खरीदो, ये मटेरियल खरीदो, ग्राफ्स खरीदो, लेबोरेटरी इक्विपमेंट खरीदो. तो कॉलेज से बाय करना पड़ता है स्टूडेंट्स लोगों को, आप उसका एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, राइट? तो वो कॉलेज स्टोर सेल्स हुआ. कॉलेज स्टोर आपको बेच, कॉलेज आपको बेच रहा है बेसिकली वो चीज़ें, उससे उसको इनकम हो रही है. परचेज ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाई, सॉरी, स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज ओपनिंग, ये ओपनिंग स्टॉक है उसका, वो स्टोर्स का जो भी है. परचेज ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाई एक्सपेंस हो जाएगा, ओपनिंग एंड परचेज उसका एक्सपेंस हो जाएगा. जैसे ट्रेडिंग बिजनेस आपको गुड्स बेचा है ना खरीद के, वैसे कॉलेज आपको ये मटेरियल बेच रहा है खरीद के. उसका कोर बिजनेस नहीं है, कोर बिजनेस पढ़ाना है ऑब्वियसली. साइड बाय साइड ये भी आपको चाहिए, जो भी जर्नल चाहिए या इक्विपमेंट्स चाहिए या बुक्स चाहिए, वो खरीद के आपको सपोज बेच रहा है जर्नल्स है. तो ये उसका ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है. क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है अपने को, जनरली एडजस्टमेंट में रहता है. एंड सेल्स है उसका इनकम. देन वी हैव सैलरीज ऑफ टीचिंग, दैट इज आई थिंक एक्सपेंस, मेजर एक्सपेंस. रिसर्च अगेन, दैट इज एक्सपेंस. स्कॉलरशिप्स, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस फॉर द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस आर ऑल्सो एक्सपेंस. रिक्रिएशन वगैरह वेलफेयर के लिए कुछ किया है तो कम्युनिटी बनाते हैं, और योगा वैल्यू एजुकेशन. सॉरी, रिसर्च फंड में से माइनस? नहीं, रिसर्च फंड में से माइनस नहीं करना है. तुमको स्पेसिफिकली दिया रिसर्च फंड एक्सपेंस, ओके, तो वहां से माइनस करना. दीज आर अगेन लाइक हैवी एक्सपेंस हुआ है कुछ रिसर्च का, कुछ फैसिलिटी सेटअप किया, कुछ लेबोरेटरी सेटअप किया है, तो वहां से यू सब्ट्रैक्ट दैट. ओके, तो रिसर्च फंड एक्सपेंस दिया तो सब्ट्रैक्ट कर, अदरवाइज नॉर्मली कीप इट एज इट इज. फंड अलग, एक्सपेंस अलग. ये रेगुलर एक्सपेंस है रिसर्च का, हर साल होने वाला एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर का. स्कॉलरशिप आर ऑल्सो एक्सपेंस. स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आर ऑल्सो एक्सपेंस. गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंस आर एक्सपेंस. मिसलेनियस एक्सपेंस आर एक्सपेंस. देखो, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट आ गया. रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएगा? एसेट. रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब जो फंड का पैसा है वो इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जब पैसे की जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट बेच के हम लोग कुछ फैसिलिटी बनाना होगा, कुछ लेबोरेटरी बनाना होगा, या कुछ स्टाफ को ट्रेनिंग देनी होगी तुम्हारे स्कूल कॉलेज स्टाफ को, वो सब वहां से कर ले. तो रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट ये स्पेसिफाई किया होगा, फंड रिलेटेड एक्सपेंस. ओके, तो रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट्स दे आर एसेट्स. अदर इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो एसेट्स. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है. फाइनल अकाउंट्स में भी देखा था हमने, ये बुढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, तो वो फंड का पैसा, इन्वेस्टमेंट का पैसा थोड़ा थोड़ा बेच के उसको पैसा वापस देते रहेंगे सैलरी पेंशन के जैसे. कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस ऑल्सो एक्सपेंसेस. सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक छूट गया, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस आर एक्सपेंस. कंसल्टेंसी एक्सपेंस. लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, आई थिंक दे आर लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर ऑल आर फिक्स्ड एसेट्स, बैलेंस शीट एसेट. मोटर व्हीकल इज ऑल्सो एसेट. स्कूल बस वगैरह होती है अगर सपोज हुआ तो, कॉलेज का कुछ व्हीकल है डिलीवरी के लिए रखा हुआ, दैट इज एसेट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, व्हाट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन टिल डेट दिया हुआ है आपको. बिल्डिंग इक्विपमेंट फर्नीचर तीन एसेट का दिया है, बिल्डिंग इक्विपमेंट फर्नीचर तीन एसेट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है. तो क्या करोगे इसको आप, प्रॉब्लम कैसे दिखाओगे बताया था याद? लेस फ्रॉम एसेट. लेस फ्रॉम एसेट, एस में से लेस करके दिखा देते. ओके, तो जो भी आपका फिक्स्ड एसेट है उसमें से पीएफडी माइनस करके यू शो द नेट एसेट वैल्यू. देन करंट ईयर डेप्री अगर हुआ तो क्या करोगे, एसेट में से माइनस करोगे कि पीएफडी में ऐड करोगे? पीएफडी में ऐड करोगे, वो याद रखना है. देन वी हैव कैश एट बैंक एंड वी हैव लाइब्रेरी. आई थिंक बोथ आर एसेट्स, फिक्स्ड एसेट एक करंट एक फिक्स्ड एसेट, कैश एट बैंक एंड लाइब्रेरी. कंफर्टेबल टू दिस पॉइंट? ट्रायल बैलेंस क्लियर है ऑल ऑफ यू? ओके,
कॉस्ट एडजस्टमेंट को एक्सपेंसेस जो दिया है वो ओपनिंग में जाएगा कि क्लोजिंग कौन सा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ दिया ट्रायल बैलेंस को दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हां हां एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टूट गया सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी रिकॉर्डेड है एक्टिव एक्सपेंस हो चुका है अपने को खाली लायबिलिटी में डालना बाकी है माने फर्स्ट पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूं स्टोर्स मटेरियल का आई विल कम टू दैट सेकंड पॉइंट देख लो पहले एडजस्टमेंट का ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स रिसीवेबल है सो दैट इज ऐड टू इनकम एंड Stores and selling price again third and first point are related. We'll discuss them. Depreciation, dekh lo, is provided on straight line basis at the following rates. Straight line मतलब FIM है. FIM मतलब किस पे लेने का? Cost पे की WDV पे? Cost. Cost दिया. Do you have the cost? Original cost of assets. Yes. Remember PFD method. Whenever you do PFD, your assets are shown at cost. यहाँ पे यू हैव द रेडी कॉस्ट ऑफ लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर मोटर व्हीकल सबका है लेकिन डेप्रिसिएशन सिर्फ चार एसेट्स पे बिल्डिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट फर्नीचर एंड फिक्स्ड एंड मोटर व्हीकल लैंड पे नहीं है तो सबका कॉस्ट पे लेना है और इफेक्ट क्या होगा डेप्रिसिएशन का व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऐड टू पीएफडी एंड एक्सपेंस ऐड टू पीएफडी एंड एक्सपेंस और जो टोटल पीएफडी मिलेगा डेप्री ऐड करने के बाद वो हम एसेट में से माइनस कर बराबर है तो पीएफडी में पहले डेप्रिसिएशन करंट ईयर का ऐड हो जाएगा फिर हम माइनस करेंगे टोटल वाला ये हमने मैन्युफैक्चरिंग में भी किया था एक समय 80+80 और 8+8 16,000 माइनस किया तो सेम वे यहाँ पे करना है अगर यहाँ पे सपोज आरबीएम होता तो भी कर सकते पीएफडी लेस करके रिटर्न डाउन वैल्यू पे पीएफडी लेस करके रिटर्न डाउन वैल्यू पे ले लेना था 5% राइट इफेक्ट तो सेम रहेगा एक्सपेंडिचर एंड ऐड टू पीएफ कोई भी मेथड हो आपको एफ आई एम आर बी एम पी एफ डी दिया है तो इजिली यू कैन डू राइट फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखो क्या दिया है मटेरियल सप्लाईज कंज्यूम्ड दिया है नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक दे देते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है मटेरियल एंड सप्लाइड कंज्यूम्ड दिया है फ्रॉम कॉलेज स्टोर ये कंज्यूम्ड का मतलब होता है सेल्फ यूज के लिए वापरा है कंज्यूम्ड मतलब सेल्फ यूजेज कॉलेज ने खुद यूज किया है इसको बेचा नहीं है खुद यूज किया टीचिंग रिसर्च स्टूडेंट वेलफेयर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अलग अलग जगह पे ये मटेरियल और सप्लाईज यूज हुए हैं जर्नल वगैरह हैं तो टीचिंग में गए हैं और लेबोरेटरी के थोड़े इक्विपमेंट्स हैं तो रिसर्च में गए हैं स्टूडेंट वेलफेयर की कोई आइटम्स है रिक्रिएशनल योगा मैट्स हो गया तुम्हारा मेडिटेशन का कुछ हो गया या गेम्स का कुछ हो गया गेम्स का कुछ मटेरियल है तो वो स्टूडेंट वेलफेयर में गया है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का सॉरी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में गया है स्टूडेंट वेलफेयर का तुम्हारा जो कुछ फ्री बुक्स देता है फ्री जर्नल देता है पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स को वो मटेरियल तुम्हारे स्टूडेंट वेलफेयर में चले गए चैरिटी वगैरह करता है कुछ वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के तो ये सब मटेरियल कंज्यूम हुए हैं मतलब कॉलेज ने खुद यूज किया इसका कुछ पैसा नहीं मिला उसको सेल नहीं हुआ एंड थर्ड पॉइंट पे आपको दिया है कि स्टोर्स सेलिंग प्राइस आर फिक्स टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस तो जो आप बेच रहे हो जो मटेरियल आप बेच रहे हो उस पे यू आर हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस उस पे यू आर हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस अभी इससे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ढूंढनी है जैसे मैंने बताया वो क्या मिसिंग है इधर मेन चीज जो उधर अपने इक्वेशन में चाहिए कॉस्ट प्राइस तो मिसिंग है और क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक क्या है वो नहीं दिया है नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक दे देते हैं एडजस्टमेंट तो अपने को बैलेंसिंग फिगर से मिल जाता है कॉस्ट और कंज्यूम जो भी है बट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ही मिसिंग है सी आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल सपोज आई एम ट्रेडिंग बिजनेस में ठीक है डोंट राइट दिस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सपोज हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस में और ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है दिस इज माय ट्रेडिंग अकाउंट ऑल ऑफ यू प्लीज लुक एट इट केयरफुली इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हिडन ओवर हियर ट्रेडिंग अकाउंट ओके Suppose I tell you my opening stock is 3 lakhs. My purchases are 8 lakhs.
correct? Opening stock is 3 lakh, purchases are 8 lakhs. Let's say my closing stock is 1 lakh. I'm subtracting it from your only. Trading credit mein likhne ke jagah pe. Meaning is one and the same, right? And buy sales. My sales are 12 lakh. Okay. So can you tell me my profit? Yeah. What is my profit? Profit is 2 lakhs. 2 lakhs. 2 lakhs. 2 lakhs. So, ये हमने बहुत बार बनाया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने ये जो 12 लाख का सेल किया है, इसमें प्रॉफिट 2 लाख है, राइट? तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स सोल्ड? 10, जिसको हम COGS बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. 10 लाख मिलेगा अपने को, मतलब 10 लाख का गुड्स था, दैट वॉज अ कॉस्ट. जो मैंने 2 लाख रुपया प्रॉफिट बना के 12 लाख में बेचा, करेक्ट? ये समझ आ गया सबको? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस 10 लाख में ये 3 लाख पड़ा हुआ है, FIFO, मतलब फर्स्ट आउट वी अज्यूम, पहले जो आया ऑब्वियसली पहले बिका होगा. तो ये 10 लाख में 3 लाख का बिका है, और नया खरीदा 8 लाख, उसमें से 7 लाख का इसके अंदर इंक्लूडेड है. तो दिस इंक्लूड द 3 लाख of opening of plus 7 lakh of purchases, right? So that's why we are left with 1 lakh of closing stock which we'll be using in the next year. Yahan tak samajh aa rahi baat? Got it? Okay. Now ye sabko aa gaya samajh mein cost of goods sold kya hai? Cost of goods sold matlab kitne ka goods tha? 10 lakh ka goods tha, 12 lakh mein becha, 10 lakh mein 3 lakh rupaye opening stock tha, 7 lakh rupaye ka purchase tha. तो 1 लाख रुपया बच गया, वो क्लोजिंग स्टॉक है, वो मैंने माइनस कर दिया. बराबर है? क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट, आई कैन नॉट डू माय परचेसेस एट 8 लाख बिकॉज पूरा बिका नहीं है. अगर बिका है 7 लाख का तो एक्सपेंस भी 7 लाख का ही दिखाऊंगा, बाकी 1 लाख का नेक्स्ट ईयर बिकेगा तो नेक्स्ट ईयर दिखाऊंगा. सो वी कैन कंपेयर, दैट्स योर मैचिंग कंसेप्ट, मैच योर एक्सपेंसेस विद योर इनकम. नाउ अनदर एग्जांपल लेट अस टेक. इसी एग्जाम्पल में इफ आई टेल यू आई हैव सोल्ड 12 लाख का गुड्स बट माई प्रॉफिट इज 3 लाख इज द इक्वेशन टैलिंग नाउ? नो. व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ माई गुड्स? 9 लाख, राइट? कॉस्ट ऑफ माई गुड्स इज 9 लाख, मतलब बेचा हुआ गुड्स 9 लाख का. तो वॉट कैन यू कंक्लूड? 3 लाख का ओपनिंग स्टॉक है, 8 लाख का बचा है, 11 लाख का टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स था, उसमें से 9 लाख का ही बिका है. 12 में बिका है, वो सेलिंग प्राइस है, बट 9 लाख 9 लाख रुपीज का ही सेल हुआ. तो वॉट शुड बी द क्लोजिंग स्टॉक? 2 लाख. 2 लाख शुड बी माई क्लोजिंग. इज दिस पार्ट क्लियर? So if I tell you the sale ka figure and if I tell you the profit ka figure, you will be able to arrive at the cost of those goods. And if you arrive at the cost of those goods, automatically you will arrive at the closing stock figure. Mil hi jayega. Let's take another example. I am not giving you this closing stock ka figure, like we don't have it in this program. And I show you this information. I show you this information. My opening stock, my purchases, my sales are 12 lakh, my profit is 3 lakhs. And I give you one additional information. The answer is, in our business, we gave goods worth 1 lakh to our employees as salary. We gave away goods of 1 lakh to our employees as salary. Remember, what is the journal entry for giving goods to employees? Salaries to purchases. Yeah, it is salaries to purchase. What if you give it as samples? It is advertisement to purchase. What if it is withdrawn? It is drawings to purchase. Remember, what if it is lost? It is lost by fire to purchase. Right? So what do we do? Direct expense ko kam karke indirect expense mein dikha dete hain.
याद आ रहा है आपको? सो यहाँ पर 1 लाख रुपीज का गुड्स मैंने क्या किया है, 1 लाख रुपीज का गुड्स मैंने सैलरी दे दिया. तो व्हाट शुड आई डू फ्रॉम दिस परचेज, ऐड और सबट्रैक्ट? आई शुड सबट्रैक्ट, राइट? आई शुड सबट्रैक्ट गिवन एज सैलरी, गिवन एज सैलरी 1 लाख, राइट? एंड द सेकंड इफेक्ट शुड गो इन माय पीएनएल टू सैलरी 1 लाख, जो हम लोग ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखा देते उसके जगह मैंने माइनस कर दिया. अब बता सकते हो व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक? 1 लाख. 1 लाख, अग्री? मिल रहा है, तालमेल मिल रही है? 9 लाख रुपए का कॉस्ट का गुड्स सेल हुआ है, 9 लाख का, उसमें मतलब 3 लाख रुपीज का ओपनिंग स्टॉक होगा इन्वॉल्व, बराबर? और 6 लाख रुपए का परचेज का पार्ट होगा, 6 लाख रुपीज का परचेज पार्ट होगा. तो मतलब आउट ऑफ 8, 6 लाख का ही गुड सेल हुआ है. वैसे तो 2 लाख होना चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक में, अग्री और डिसअग्री? वैसे तो 2 लाख होना चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक में, लेकिन 2 लाख में से भी 1 लाख तो मैंने सैलरी के फॉर्म में दिया हुआ है. तो नाउ व्हाट इज माय क्लोजिंग, नाउ माय क्लोजिंग स्टॉक इज 1 लाख ऑफ रुपीज, अग्री और डिसएग्री? पक्का समझ आ रहा है? सबको समझ आया ये बात कि नहीं? क्योंकि अच्छा ये मैं हटा दूं, ये मैं हटा दूं, अब क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक? 2 लाख. अब तो 2 लाख हो जाएगा, क्योंकि उतना ही बचा है. कुछ अपने यूज के लिए तो एम्प्लॉय को दिया नहीं है तुमने, बराबर है? बिजनेस में तो कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है कोई अदर रीजन से, सबका सब बिक रहा है या बचा हुआ है. दैट्स योर क्लोजिंग स्टॉक. सो नाउ लेट आई टू पुट दिस इन अवर प्रॉब्लम, द सेम थिंग इन अवर प्रॉब्लम. ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन अपने को दी गई है 3 लाख. कैन यू सी दैट? ट्रायल बैलेंस में अपने को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 3 लाख, दिख रहा है आपको? ओके, लिख दिया मैंने. परचेजेस का भी इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, कितना है? 8 लाख है. श्रद्धा को दिख रहा है क्लियरली? आर्यन शाह, आर्यन भानुशाली, प्लीज टर्न ऑन द वीडियोस नाउ. Opening stock and purchases ka information is given in the problem, agree? 3 lakh and 8 lakh. Now, sales bhi diya hua hai apne ko. Trial balance mein hi diya. What are my sales? What are my sales? Can you all see and check and tell me? What are my sales? 7 lakh 50,000. This is not the cost price. This is the selling price. Selling price pe sales rahega tumhara. Okay. अपने को इतना देकर छोड़ दिया है और अपने को क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है. अभी अपने को एक और इन्फॉर्मेशन दिया, अपने को प्रॉफिट पता है. व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन दोज गुड्स सोल्ड? व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन दोज गुड्स सोल्ड? 10% ऑन सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस 75,000 इज माय प्रॉफिट. 75,000 इज माय प्रॉफिट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Hello. Net profit of 75,000. Can you all see that? ये net profit, gross profit इधर एक ही है. ये कोई indirect expense वगैरह business नहीं चला रहे हो. तो basically in goods का profit दिया हुआ है आपको 75,000, जो अपने केस में 3 lakhs था. अभी ideally what should be my closing stock as per this? 2,25,000. 3 + 8, 11 lakhs. इधर 11 लाख आ रहा है, माइनस क्या करने का मेरे को? मतलब ये बेसिकली 6,75,000 का गुड्स बेचा है मैंने, ये बता सकते हो आप? माय गुड्स का कॉस्ट इज 6,75,000. इट इज लाइक दिस. 7,50,000 में से प्रॉफिट हटाओ, यू गेट 6,75,000. जैसे हमारे एग्जांपल में 9 लाख वॉज द कॉस्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल में 6,75,000 इज द कॉस्ट. यहां तक समझ आ रहा है? मतलब 6,75,000 का कॉस्ट का गुड सेल हुआ है. परीशी, यस और नो? यस सर. अभी
इसमें ओपनिंग स्टॉक 3 लाख पड़ा हुआ है जो बिक गया है, और परचेज में से कितना हिस्सा होगा इसमें? 3,75,000 का परचेज गुड्स बेच दिया हमने, तो अभी क्लोजिंग स्टॉक आइडियली कितना होना चाहिए? 4,25,000 होना चाहिए, 4,25,000 होना चाहिए. Are you able to relate these two? Are you getting it? 3,75,000 कौन सा? 3,75,000 जो है ये 8 लाख में से कॉस्ट जो सेल हो गया. 3,75,000 is the cost of those goods. देखो टोटल गुड्स कितने का सेल हुआ है? 7,50,000, बट वो सेलिंग प्राइस है. तो अगर मैं तुमको पूछूं कितने का कॉस्ट कितना था इनका, तो कॉस्ट वाज 6,75,000, प्रॉफिट हटा दिया तुम. अब वो 6,75,000 का जो गुड्स बेचा है तुमने, वो कैसे बेचा होगा? पहले ओपनिंग स्टॉक बेचा होगा और फिर परचेस्ड गुड्स में से निकाल के बेचा होगा. तो ओपनिंग स्टॉक तो पूरा का पूरा 3 लाख सोल्ड है, और कितना बचा? 3,75,000 बचा ना 6,75,000 बनाने के लिए. तो वो 3,75,000 का गुड्स कहाँ से निकाला होगा? परचेज में से निकाला होगा. अंडरस्टूड नाउ? तो परचेज जो 8 लाख का है उसमें से 3,75,000 बिक गया है, तो बचा कितना? 75,000. दैट्स माय क्लोजिंग स्टॉक. अग्री और डिसएग्री? बोलो. इसमें किसी को कुछ नहीं समझा तो पूछो. सो कैन यू एक्सप्लेन अगेन? I'll repeat. ऊपर वाला एग्जाम्पल तुमको समझा? ये वाला तेल वाला समझा कि नहीं? तेल वाला समझा कि नहीं? वो तो बोलो. I'll start with the beginning. Yeah, sir. वो समझा ना? Okay, okay. Now, see, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है अपने को 3 लाख ट्रायल वाले, सेम परचेज दिया हुआ है 8 लाख, सेल्स भी दिया हुआ है 7,50,000. जो मैंने सेल्स 12 लाख लिया था उसके जगह 7,50,000, और मैंने प्रॉफिट लिया था 3 लाख. यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस. व्हाट इज 10% ऑफ सेलिंग प्राइस? 75,000. तो व्हाट आर दे टेलिंग अस? दे आर टेलिंग अस दैट यू हैव सोल्ड गुड्स फॉर 7,50,000. 7,50,000 में बेचा है आप, तो कितने का बेचा होगा? जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 लाख में बेचा है, 3 लाख का प्रॉफिट है, तो कितने का था गुड्स? 9 लाख का था ना. तो यहाँ पे गुड्स कितने का था? कॉस्ट कितना था उन गुड्स का? 6,75,000 था. ये सब चीजें कॉस्ट पे वैल्यू होती हैं. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सब कॉस्ट प्राइस पे होता है. खाली सेल्स आर हैपनिंग एट सेलिंग प्राइस विथ प्रॉफिट. नाउ 6,75,000 का जो गुड्स मैंने सेल किया है वो क्या होगा? ये 3 लाख होगा, ओपनिंग स्टॉक पहले बिक गया, और बचा कितना? 3,75,000. वो कहाँ से उठाया होगा? परचेज से उठाया होगा. तो बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचना चाहिए? 4,25,000 बचना चाहिए. यू डू दिस ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज COGS. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक की COGS, मतलब 3 लाख प्लस 8 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक शुड बी 6,75,000, राइट? इफ यू हैव सोल्ड ऑल देन, इफ यू हैव सोल्ड ऑल देन, दिस शुड बी 6,75,000. सो व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक इन दैट केस? क्लोजिंग स्टॉक शुड बी 4,25,000. क्लोजिंग स्टॉक शुड बी 4,25,000. ये समझा कि नहीं बताओ मेरे को? यस सर. गॉट इट? अभी ये सिचुएशन कब होगा? व्हेन द कॉलेज सेल्स एवरीथिंग, व्हेन द कॉलेज सेल्स एवरीथिंग, ऑल मटेरियल्स एंड ऑल वो सेल कर देता है, स्टूडेंट्स बेच के पैसा कमा लेता है, तो फिर अपना क्लोजिंग स्टॉक इज 4,25,000. नो टू थॉट्स अबाउट दैट. बट यहां ऐसा नहीं हो रहा. यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो सब लोग. प्लीज रीड एडजस्टमेंट नंबर 1. क्या दिया है देखो? मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड,
इन टीचिंग रिसर्च स्टूडेंट वेलफेयर गेम्स और स्पोर्ट्स. कैन यू ऑल सी दैट? कंज्यूम्ड का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ने सेल नहीं किया, खुद वापर लिया. जैसे मैंने आपको ये सैलरी वाला एग्जाम्पल दिया था ऊपर, 1 lakh की सैलरी. इन आवर एग्जाम्पल आई गिव यू दिस 1 lakh का गुड्स हमने सैलरी के फॉर्म में दे दिया है. 1 lakh का गुड्स हमने सैलरी के फॉर्म में दे दिया है. इसका मतलब क्या हुआ? अपना बिजनेस बेचा नहीं वो गुड्स, अपने ही एम्प्लॉय को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ सैलरी. वैसे अपने कॉलेज ने ये सब जो कितना दिया, देखो टीचिंग रिसर्च स्टूडेंट वेलफेयर गेम्स सबका टोटल मारो, 50 plus 1 lakh 50 plus 75 plus 25 3 lakh rupees का जो गुड्स है, 80,000 की, वो तो ट्यूशन की रिसीव है, 3 lakh rupees का जो ये गुड्स है ये सेल नहीं हुआ. ये 3 lakh rupees का गुड्स अंदर इंटरनली कॉलेज ने यूज किया अपने यूज के. इट्स लाइक सैलरी गिवन टू योर एम्प्लॉय, गुड्स गिवन एज सैलरी. तो वैसे ही इसने वो गुड्स निकाल के अपने टीचिंग स्टाफ को दे दिया, अपने रिसर्च स्टाफ को दे दिया, अपने स्टूडेंट वेलफेयर को दे दिया, अपने गेम्स और स्पोर्ट्स स्टाफ को दे दिया. वापरो, कॉलेज में यूज करो, पूरा का पूरा सेल नहीं हुआ है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो जो चीजें आप खुद ऑर्गेनाइजेशन में वापर रहे हो वो चीजें आप क्या करोगे, यहां से परचेज में माइनस कर दोगे, जस्ट लाइक सैलरी. तो परचेज में से मैं ये 3 lakh यूज्ड बाय कॉलेज, यूज्ड बाय कॉलेज का मतलब वो सैलरी की जैसा 3 lakh rupees कॉलेज ने वापर लिया है. बेचा नहीं है भैया, बेचा नहीं है, वापर लिया है, खुद ही वापर लिया है. तो इसका दूसरा इफेक्ट, जैसे अगर PNL बनता नीचे आता कॉलेज कंजम्पशन, जैसे सैलरी हमने लिखा कॉलेज कंजम्पशन 3 lakh. सो अब क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है. क्या चेंज हो गई है? 1,25,000 होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक. कैसे 1,25,000 हो गया? अभी तुमने 6,75,000 के कॉस्ट का गुड सेल तो किया है, बराबर है. बट अभी सिचुएशन क्या है, देखो ओपनिंग स्टॉक 3 lakh था, परचेजेस 8 lakh था, टोटल गुड्स 11 lakh का था तुम्हारे पास. 11 lakh के गुड्स में से 6,75,000 का तो बेच दिया, 6,75,000 का तो बेच दिया. तो 11 lakh में से माइनस 6,75,000 इतना बेच दिया, बचा कितना? 4,25,000. आइडियली ये क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, लेकिन कॉलेज ने क्या बोला, नहीं नहीं भाई लोग रुको, हमने पूरा स्टोर्स कंज्यूम बेचा नहीं, हमने पूरा स्टोर्स बेचा नहीं है. जो भी मटेरियल हमने खरीदे थे पूरे स्टूडेंट्स को कैश में बेचे नहीं है, हमने खुद भी वापरा है, अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को, अपने कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्री में दे, खुद एक्सपेंस बेयर किया है. तो ये एक्सपेंस क्या है, कॉलेज का खुद का है. यहां से तो निकाल दो इस परचेज में से, तो ये 3 lakh निकालते हो तो बचा कितना, 1.25 यूज हो चुका है, स्टॉक में तो है नहीं. अभी स्टॉक में कितना बचेगा, खाली 1,25,000. हाँ, अगर कुछ कॉलेज ने सेल्फ यूज नहीं किया होता, अगर आपने कोई गुड्स सैलरी में ना दिया होता, अगर आपका कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय ना हुआ होता, तो फिर डायरेक्टली आ जाता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक. डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? तो मुझे सोच के बताना, अभी दिमाग लगा के बताना. अगर कुछ कंज्यूम्ड गुड्स का इंफॉर्मेशन नहीं होता, कुछ कंज्यूम्ड गुड्स का इंफॉर्मेशन नहीं होता, तो फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या होना चाहिए? 4,25,000. कंज्यूम्ड गुड्स का मतलब क्या, वो कॉलेज का ही खर्चा है. ये खाली मैं परचेज से निकाल इसलिए रहा हूँ क्योंकि बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये गुड्स अभी फिजिकली अवेलेबल नहीं है, स्वाहा हो चुका है. खर्चा है लेकिन स्वाहा हो चुका है. तो परचेज में से निकाला और अलग से दिखा दिया नीचे. कैन यू सी दैट? जैसे हमने यहाँ पे सैलरी निकाल के अलग से दिखाया, यहाँ पे परचेज से निकाल के अलग से दिखाया कॉलेज कंजम. तो सैलरी वैलरी के लिए अगर हमने गुड्स दे दिया है या कंजम्पशन के लिए गुड्स दे दिया है, खुद यूज किया है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? विल इट बी 4,25,000? नो. नाउ इट विल बी हाउ मच?
1,25,000 Now my closing stock will be 1,25,000 Ek another example in this case. ओपनिंग स्टॉक 3,00,000 ले लो, परचेज 8,00,000 ले लो, टोटल हो गया 11,00,000 11,00,000 हो गया. अच्छा, इसमें से सेल्फ कंजम्पशन के लिए कॉलेज ने 2,00,000 रुपया का गुड्स यूज किया है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए 2,00,000 रुपीज का गुड्स यूज किया है. अब क्लोजिंग स्टॉक क्या, 3,00,000 नहीं यूज किया, 2,00,000 यही सबसे ना, यही सेम बाकी सबसे 2,25,000 हो जाएगा. अगर 2,00,000 कंज्यूम किया है तो 2,25,000 हो जाएगा. अग्री? अच्छा, अभी सपोज मैं आपको बोलूं कि यही एग्जांपल में, द सेम एग्जांपल, माय प्रॉफिट इज नॉट 10%, इट इज 20% ऑन सेल्स. माय प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स. माय प्रॉफिट इज 10 का जगह 20% and consumed by college, college consumption is 3,00,000 only. Consumed by college is 3,00,000 only. Now can you tell me the closing stock? 2,50,000 2,00,000 2,00,000 2,00,000 आएगा ना, 2,00,000 आएगा. हाँ, ऐसा 2,00,000 कोई बताएगा? नमन एक्सप्लेन. 8+3=11 था, फिर उसमें से 20% प्रॉफिट है ना, तो ऑन सेलिंग प्राइस तो 1,50,000 हुआ. सेलिंग का वो जो आप बाई सेल्स है वो तो 7,50,000 है, और उस बाई कॉलेज हो जाएगा 3,00,000. तो 8+3=11 फिर प्लस 1,50,000 फिर मैंने किया. ओके, मैंने ऐसे किया, ये साइड का पूरा टोटल से लेस किया, फिर सेल से लेस कर दिया. तुमने क्या किया, कॉस्ट पे 1,50,000 ऐड कर दिया, पूरा सेलिंग प्राइस लिया, उसमें से सेल्स माइनस किया, उसमें से कंज्यूम्ड भी माइनस कर. कॉस्ट पे सेल्स सिर्फ 6,00,000 का है और 3,00,000 का कंज्यूम, मतलब टोटल 9,00,000 का हो गया है और 11,00,000 का था तो 2,00,000 रुपया बच गया. परफेक्ट, वैसे भी सोच सकते हो. एनीवे यू कैन, एक बार बैठ गया दिमाग में तो घुमा फिरा के कैसे भी सोचो चलेगा. ओपनिंग स्टॉक 3,00,000 था, परचेस 8,00,000 था, टोटल 11,00,000 हो गया. राइट, 11,00,000 में से हमने अभी कितना कॉस्ट का गुड सेल किया है, 6,00,000 तो 5,00,000 बचा. 5,00,000 में से अगर कंज्यूम्ड होता ही नहीं कुछ तो 5,00,000 हो जाता ना क्लोजिंग स्टॉक. कंज्यूम्ड होता ही नहीं कुछ तो 5,00,000 होता क्लोजिंग स्टॉक. कंज्यूम्ड है 3,00,000 तो 2,00,000 हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बेसिकली अगर फॉर्मूला देखना है आपको तो फॉर्मूला ऐसा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस purchases minus consumed goods minus closing stock is equal to COGS, and COGS plus profit equals sales. Normally opening plus purchase minus closing होता है. इधर consumed goods है, कुछ salary है, destroyed by fire है, floods है, theft है, तो ये सब गुड्स भी यहाँ पे माइनस करते हैं. क्यों माइनस करने का? क्योंकि ये बिका नहीं है, ये एक्सपेंस है, जरूरी है, ये कंज्यूम्ड एक्सपेंस है. एक्सपेंस में से माइनस करे उसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस है, लेकिन सोल्ड गुड्स का एक्सपेंस नहीं, अलग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट, सेपरेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस. गॉट इट? एनी कंफ्यूजन इन दिस? प्लीज टेल. सर कंज्यूम्ड गुड्स का दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? उधर ही एक्सपेंडिचर. इधर अपने पास ट्रेडिंग पीएनएल अलग अलग तो है नहीं, उधर हम लोग पीएनएल में दिखाते थे ना, ट्रेडिंग से निकाल के पीएनएल में दिखाते थे, इधर इसी के नीचे ही दिखा देने का, उधर ही कंज्यूम. तो बैलेंस शीट में एसेट 4,25,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,25,000 दिखाना है कि 1,25,000? यू टेल मी. 4,00,000 दिखाएंगे ना. कैसा 4,25,000? देख मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ सिंपल. तुमने ना तुम्हारे पास दो दो बुक्स, दो जर्नल थे बिगिनिंग, टू जर्नल्स यू हैड, टू जर्नल्स यू हैड, ठीक है. यू बॉट 10 मोर जर्नल्स, मैगजीन, दो मैगजीन थी कॉलेज के पास, उसने 10 और मैगजीन खरीदी, टोटल मैगजीन्स कितनी हो गई? 12. एक मैग कॉस्ट थी 100 रुपये, तो 12 मैगजीन की 1200 रुपये हो गई. 12 मैगजीन में से
छह मैगजीन उसने बेच दी 150 रुपए आउटसाइडर्स स्टूडेंट्स को जिसको चाहिए, छह मैगजीन्स उसने बेच दी 150 रुपीज, ठीक है। अब कितनी मैगजीन्स बची उसके पास, 6 more magazines left, राइट, अग्री, 6 more magazines left, उस 6 magazine में से 4 magazine कॉलेज ने अपने ही टीचर्स को पढ़ने के लिए दे दी, पढ़ो पढ़ाओ, क्लास में यूज करो, कॉलेज में यूज करो, पढ़ाओ स्टूडेंट्स, 6 magazines कॉलेज में दे दी टीचर्स लोग, तो टीचर्स ने वापर ली पूरे साल और तो फट गई मैगजीन, बची कितनी मैगजीन तुम्हारे, how many magazines are left with you? 2 magazines, so what is the closing stock of those magazines? 200. अच्छा तो सर इसका चार इफेक्ट आएगा ना, माइनस प्लस वही साइड में और क्लोजिंग स्टॉक जो 425,000 था उसमें से भी माइनस दोनों साइड, क्लोजिंग स्टॉक 425 है ही नहीं, मतलब 125 होगा, 125 ही है, तुम सीधा यही दिखाओगे, ये मैंने दिखाया ना यहां पे, दिस विल बी योर प्रेजेंटेशन, आर यू अंडरस्टैंड, यूज्ड बाय कॉलेज ड्राइंग्स पे आएगा, यूज्ड बाय कॉलेज ड्राइंग्स नहीं होता है, ड्राइंग्स कब होता है भैया, ड्रॉइंग्स क्या होता है, ड्रॉइंग्स क्या होता है, पर्सनल यूज होता है, ये पर्सनल यूज नहीं है, बिजनेस यूज ही है, देखो यहाँ पे तुमने गुड्स सैलरी के लिए दिया तो तुमने क्या किया, इफ यू हैव गिवन गुड्स एज सैलरी व्हाट डिड यू डू, लेस फ्रॉम परचेज एंड वापस पीएनएल डेबिट में ही दिखाया ना एज एन एक्सपेंस, है ना, तो यहाँ पर भी सेम ही करने का, लेस फ्रॉम परचेज एंड उधर ही दिखाने का एक्सपेंडिचर में, show it in the expenditure itself, but less करना जरूरी है, क्यों less करना जरूरी है, it is not a part of the goods sold, part of the goods sold नहीं हो के लिए less करना जरूरी, तो इधर से ही less, expenditure में ही less 3 lakh और उधर ही 3 lakh वापस in your expenditure part, understood? अगर problem को नीचे goods consumed दिया था 3 lakhs, right? उसके जगह अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे देंगे 1,25,000, चलो तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा आपको, गुड्स कंज्यूम 3 lakh मिलेगा ही, समझा कि नहीं, एडजस्टमेंट में आपको गुड्स कंज्यूम दिया है, कंज्यूम के जगह आपको क्लोजिंग स्टॉक दे देंगे 1,25,000, तो आप क्या करोगे, लेस फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस लेस करोगे यहाँ पे, और सेकेंड इफेक्ट एसेट क्लोजिंग स्टॉक, तो ऑटोमेटिकली विल हैव अ डिफरेंस ऑफ 3 lakh, दैट विल बी गुड्स कंज्यूम, दोनों में से एक चीज दिया ही होगा, तो गुड्स कंज्यूम बेसिकली उधर से ही लेस और उधर ही एक्सपेंडिचर में वापस, जस्ट लाइक सैलरी, जस्ट लाइक गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, व्हाट डू यू डू गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, लेस फ्रॉम परचेज एंड पीएनएल डेबिट एज योर एक्सपेंस, इज इट पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज सैंपल इज इट पर्सनल यूज, नो नो, बिजनेस यूज ओनली, but not a part of sales, so you remove it and you show it separate, same thing over here, ab baitha dimag mein batao, zero ho sakta hai, kya ho sakta hai, closing stock mein zero ho sakta hai, matlab pura use kar liya, ha to zero, pura use kar liya, consumed goods suppose 425,000 tha, baki bacha pura college ne wapar liya, to pura ka pura 425,000 consumed, closing stock nil, zero, possible, yes, okay, let's start the problem now, udate pura, kya banane gaye, income expenditure and current year balance sheet, last year ka to ready hai, to baki sab items were normal only, khali ye ek concept wise important tha, और तुम्हारा बिजनेस में भी आता है, फाइनल अकाउंट्स में, नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस में भी किया हुआ है हमने बहुत बार, ये समझना जरूरी है, स्टार्ट करते हैं, this is my
एन एक्सपेंडिचर अकाउंट। तुमने काफी समय स्टेशनरी किया है याद है, तुम लोग लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर आता है स्टेशनरी कंज्यूम, वो स्टेशनरी कंज्यूम बोलते हैं रिमेम्बर, उसमें हम कुछ बेच नहीं रहे स्टेशनरी, अपना ही ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम कर रहा है, उसमें कुछ सेल वेल था ही नहीं, पूरा कंज्यूम हो रहा है, पूरा कंज्यूम हो रहा है तो दैट इज अपना ही गुड। सर तो ये जो गुड्स यूज्ड बाय कॉलेज रहेगा वो ड्राइंग्स में आएगा ना? ड्राइंग्स में कैसे आएगा भाई, ड्राइंग का मतलब होता है वो लोग घर पे लेके गए पर्सनल यूज के लिए, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हम क्या करते थे, लेस फ्रॉम परचेज एंड लेस फ्रॉम कैपिटल करते थे। हाँ. और गुड्स गिवन एज सैलरी या गुड्स गिवन एज सैंपल या गुड्स लॉस बाय फायर क्या करते हैं, लेस फ्रॉम परचेज इज एक्सपेंस। हाँ तो ये बिजनेस में ही पढ़ा है, कॉलेज में ही यूज हुआ है, कोई घर पे नहीं लेके गया, कॉलेज में पढ़ाने के लिए वो जर्नल वापरो, कॉलेज में लेबोरेटरी में वो इक्विपमेंट वापरो, खुद कंज्यूम कर लिया, खुद वापरा है, खुद का एक्सपेंस। बट खाली सेल रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, इसके लिए मैंने माइनस करके अलग से बताया, और यहाँ पे ब्रेकअप भी दिया है ना तुमको, टीचिंग रिसर्च स्टूडेंट गेम्स, वो ब्रेकअप करके हम लोग दिखा देंगे कंज्यूम्ड गुड्स कौन सा गुड्स किधर गया है, बता रहा हूँ सबने देखो। पर्सनल यूज दिया होता ना तो फिर यहाँ से लेस करके लेस फ्रॉम कैपिटल कर दे, ये ऑर्गेनाइजेशनल यूज ही है, तो उधर ऊपर फॉर्मूला में से लेस करके उधर एक्सपेंडिचर में ही दिखा देगा आप, जस्ट लाइक सैलरी इज बिजनेस एक्सपेंस, लॉस बाय फायर इज बिजनेस एक्सपेंस, then advertisement is business expense, खाली उसका reason अलग था, वो sale वाला reason नहीं था, इसलिए हमने minus करके अलग से बताया। Understood ना आर्यन शाह? Yes sir. Okay. Drawings नहीं है, drawings नहीं है ये, याद रखना। Drawings personal use होता है तो these are self-consumed goods. Consume मतलब expense of the college, expense of the organization. Balance sheet as on. एक और example ले लो, अभी क्लिक हुआ चाहो, suppose तुमको college का किसी को rent देना है, college का rent देना है, okay? तो कैंटीन का रेंट देना है या कोई रेंट देना है, कॉलेज हैज टू पे द रेंट ऑफ 40,000 रुपीज, कॉलेज ने बोला कि भैया रेंट नहीं है, ये मटेरियल लेके जाओ तुमको काम आएगा, उसको सपोज यूज किया है तो वो मटेरियल लेके गया, तो अगर हम रेंट कैश में पे करते हैं तो रेंट होता है ना, तो वो रेंट के जगह हमने उसको मटेरियल दे दिया, तो एंट्री क्या होगा, रेंट टू परचेज, तो परचेज में से लेस और उधर ही एक्सपेंडिचर में रेंट आ जाएगा, ये कंज्यूम का बात हुआ, कॉलेज ने अपना एक्सपेंस में वापर लिया, यहाँ पे रेंट के जगह वापरा, यहाँ पे तुमने एक्चुअल यूजेज में वापर लिया, कहाँ कहाँ वापरा है, टीचिंग स्टाफ टीचिंग को दिया, रिसर्च में वापरा है, स्टूडेंट वेलफेयर में वापरा, गेम्स और स्पोर्ट्स, इसके पैसे नहीं लिए तुमने, कॉलेज ने खुद खर्चा किया, ऐसा है। In seminars and conference receipts. बाकी तो पूरा सम इजी है, इसका प्रेजेंटेशन देख लेना, ये जो गुड्स का पार्ट है, कंसल्टेंसी रिसीट, security deposit of students, that's a liability. It's 1,50,000. Capital fund is the opening capital fund. Research fund. $16,06,000 research fund is 8 lakhs.
बिल्डिंग फंड सर जो नीचे रिसर्च दिया वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ना इसमें नहीं 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 तुमको फंड रिलेटेड एक्सपेंस बोला है ना तो ही नॉर्मल रिसर्च एक्सपेंस मतलब वो हर साल का रिकरिंग है रिसर्च स्टाफ की कुछ सैलरीज वगैरह होगी या मेंटेनेंस एक्सपेंस होगा रिसर्च का तो वो सब रेगुलर एक्सपेंस रिसर्च फंड एक्सपेंस दिया ना रिसर्च फंड एक्सपेंस तो फिर फंड में से माइनस तो वो वन टाइम नॉन रिकरिंग फंड जनरल इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस लॉन्ग टाइम और नॉन रिकरिंग आइटम वन टाइम चीजें रहती है नॉन रिकरिंग रहती है उसके लिए फंड बना जो रेगुलर रिकरिंग है वो तो आप रिसीट पेमेंट में बता के इनकम एक्सपेंडिचर में हर साल बता ही सकते हो रिसर्च का जो भी फीस आ रहा है या जो भी एक्सपेंस हो रहा है जो भी रिसर्च डोनेशंस आ रहे हैं या जो भी एक्सपेंस हो रहा है एवरी ईयर यू कैन शो इट अंडर इनकम एंड एक्सपेंस रिसर्च डोनेशंस दे दिया सपोज रिसर्च ग्रांट्स दे दिया दैट इज ऑल इनकम वो हर साल आने वाला है रिसर्च फंड दिया मतलब वो स्पेसिफिक कोई पर्पस के लिए आया है लॉन्ग टर्म के लिए वो रख दो और अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं कुछ जब फैसिलिटी बना रही होगी तो इन्वेस्टमेंट बेच के वो फैसिलिटी हम लोग बना दें जैसे बिल्डिंग फंड का होता है बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट जैसे रिसर्च फंड का रिसर्च फंड प्रोविडेंट फंड इज अगेन लॉन्ग टर्म आइटम रिटायर हो गया तब उसको पैसा देंगे 5,10,000 सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एसेट में से माइनस कर दो हाँ पहले लेकिन करंट ईयर डेप्री ऐड करना उसके बाद माइनस ठीक है सर एडिशनल दिखाना पड़ेगा ब्रैकेट में दिखा दो पर्टिकुलर बैलेंस प्लस डेप्री फिर इनर कॉलम फिर माइनस करके नेट अमाउंट आउट ऑफ ट्यूशन फी पे आई थिंक एडजस्टमेंट था ना रिसीवेबल ट्यूशन फीस पे या 25,000 इज रिसीवेबल सर 80,000 कितना है ना यार 80,000 रिसीवेबल का अमाउंट जो अच्छा रिसीवेबल 80,000 आपने वो गेम्स और स्पोर्ट्स का देख लिया हाँ 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 राइट राइट 8,00,000 गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में कुछ नहीं दिया तो हर साल आ रहा है रिकरिंग इनकम डोनेशन के बारे में कुछ नहीं दिया तो हर साल आ रहा है रिकरिंग इनकम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट also recurring hostel room rent recurring 1,75,000 mess receipts are 7,200,000 कॉलेज स्टोर सेल कॉलेज स्टोर सेल इधर रिकॉर्ड कर दो बाय कॉलेज स्टोर सेल्स 7,50,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कुछ नहीं दिया तो ऑलवेज करंट ईयर लास्ट ईयर तो दे शुड स्पेसिफाई द डेट स्टॉक एंड स्टोर्स ओपनिंग ये स्टॉक एंड स्टोर्स का कैसे होगा प्रेजेंटेशन देख लो टू ओपनिंग स्टॉक एंड स्टोर्स वॉज 3,00,000 प्लस परचेजेस or stores that is 8,00,000 minus
स्टोर्स कंज्यूम्ड बाय कॉलेज 3 लाख ये दिया हुआ है माइनस क्लोजिंग स्टॉक का मैं वर्किंग नोट देता हूँ नीचे 1,25,000 तो आउटर कॉलम कितना आएगा तुम्हारा 5,6,75,000 अरे एक मिनट नॉट 6 लाख जस्ट प्लस 8, 11 माइनस सोल्ड है ना सर माइनस सोल्ड मैंने मिस कर ये इधर प्रेजेंटेशन में है ना शो इट लाइक दिस हमने तभी क्लोजिंग स्टॉक बाहर निकाल के दिखाया था इधर प्रेजेंटेशन में शो इट लाइक दिस ओपनिंग प्लस परचेज ऑफ स्टोर्स माइनस स्टोर्स sold at cost that is 6,75,000 minus closing stock of stores that is 1,25,000 and either 3 lakhs this is itself your stores consumed okay 3 lakh rupees what did I do instead of subtracting that and showing them separately. उसको यहां से माइनस करके अलग से दिखाने के बदली यहां पे दिख रहा है कहां गया ये रहा इसका जो नेट कॉस्ट है मैंने यहां से 3 लाख माइनस करके अलग दिखाने के बदली व्हाट डिड आई डू डायरेक्टली यहां से मैंने कॉस्ट को माइनस कर दिया और यहां पे एक मिनट इधर से भी तुमको कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा सर आउटर कॉलम में फिगर कौन सा आना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक ही आना चाहिए ना 125 वाला आउटर कॉलम कैसा क्लोजिंग स्टॉक आएगा आउटर कॉलम टोटल एक्सपेंस आएगा तो टोटल एक्सपेंस तो 6,75,000 है इधर से भी तुमको सीओजीएस 6,75,000 आना चाहिए हां एक मिनट दोनों जगह से नहीं तो सीओजीएस माइनस करना पड़ेगा लेट इट ओरिजिनल वे ऑन वेट द ओरिजिनल वे ऑन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक और बाद में लेस कंज्यूम स्टोर्स कंज्यूम पहले स्टोर्स कंज्यूम्ड और फिर क्लोज स्टोर्स कंज्यूम्ड बाय कॉलेज 3 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स 1,25,000 कितना आ रहा है ये 8 लाख माइनस 3 लाख 6,75,000 बराबर मेरा तो भी शायद कैलकुलेशन एरर था 6,75,000 यही आना चाहिए 6,75,000 is your cost of goods. बराबर profit. ये समझ आ गया? Gross profit आपको अलग से record नहीं करना है. Gross profit आपको automatically balancing figure में आ जाएगा. Gross profit automatically will have in the balancing figure. सब profit के साथ वो gross profit add होके आ जाएगा. Don't need to show it separate. इसमें gross profit समझ आ रहा है आपको 75,000 ये आ जाएगा automatically. अच्छा वो जो स्टोर्स कंज्यूम्ड है उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे दे देने का 2 ये वाला जो मैंने माइनस करके अलग से दिखाना है तो 2 स्टोर्स कंज्यूम्ड सर इसको सैलरीज में ऐड नहीं करना कॉलेज इसमें ना दो तरीका है आप हर एक स्टोर कंज्यूम को इंडिविजुअल एक्सपेंस में ऐड भी कर सकते मतलब सैलरी नहीं टीचिंग का है ना स्टोर्स तो टीचिंग का सैलरी है ना टीचिंग का या उसमें ऐड कर सकते हो जैसे रिसर्च का है तो रिसर्च में ऐड कर सकते हो स्टूडेंट वेलफेयर है तो स्टूडेंट वेलफेयर में ऐड कर सकते हो और गेम्स एंड स्पोर्ट्स है तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का भी दिया है
उसमें यू कैन ऐड दी स्टोर्स, गॉट इट? वैसे दिखाने का तो यू कैन शो दैट वे, ओके? तो अच्छा ही, और डिटेल में स्टोर्स कंज्यूम्ड अलग से भी दिखा सकते हो वापस उसमें, या फिर उसमें ऐड करके दिखा सकते हो. तो आई एम शोइंग ऐड करके ओनली. तो स्टोर्स कंज्यूम्ड बाय कॉलेज इंडिविजुअली सबका ऐड करके दिखा देगा. अलग अलग भी यू कैन शो, ऐड करके दिखा तो भी बेटर ही है, चलेगा. इंडिविजुअल एक्सपेंस में ही जा रहा है वो. इसका मीनिंग समझा? द सेम थिंग विच वी डिड ओवर योर, आ गया ये रहा. ऑल ऑफ यू गॉट दिस? हम लोग वो इंटरेस्ट ऑन डेटर्स और वैसे करते थे ना, माइनस नहीं करने का, सीधा नीचे लिख देने का, तो वैसे इसमें कर सकते. हाँ हाँ हाँ, सेपरेटली ना, सेपरेटली भी चलेगा. स्टोर्स कंज्यूम्ड ब्रेकअप दिखा दो 3 लाख का अलग से, और फिर सैलरी वगैरह अलग से दिखा दो, तो भी चलेगा. बट एक्सपेंडिचर में दिखना चाहिए तो. ओके, देन व्हाट डू वी हैव? ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा कहीं भी? ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है देखो यहाँ पे, 7,50,000 माइनस 6,75,000, वन कितना है, 75,000 का प्रॉफिट है ना तुम्हारा. वो रिकॉर्ड, बाकी सब जो सरप्लस आएगा उसमें वो इंक्लूडेड रहेगा ना तुम्हारा. यू आर नॉट हैविंग अ सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट ओवर हियर, यू आर नॉट इनटू ट्रेडिंग बिजनेस. ये प्रॉफिट तुम्हारा इसी बाकी सरप्लस में ऐड होके आने वाला है, अलग से रिकॉर्ड नहीं करना. अंडरस्टूड? देन सर, ये सोर्स कंज्यूम का सेकंड इफेक्ट कब आएगा? सेकंड इफेक्ट अभी मैं दे रहा हूँ, देखते जाओ. आई विल ऐड इट टू द इंडिविजुअल एक्सपेंस. अलग से भी दिखा सकते हो 3 लाख, क्योंकि ब्रेकअप दिया है, ऐड करके दिखाया अलग एक्सपेंस में तो चलेगा बेटर. उसका इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का जैसा होगा? नॉट आउटस्टैंडिंग, सिर्फ ऐड ही होगा ना? ऐड ही होगा. या उसका मतलब कैश में तुमने इतनी सैलरीज दी, देखो अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 सैलरीज. ओके, कितना है सैलरीज ऑफ टीचिंग? 8,50,000 है. सैलरीज ऑफ टीचिंग आर 8,50,000 एंड प्लस स्टोर्स कंज्यूम. मतलब टीचिंग स्टाफ को मैंने सैलरी दी है 8,50,000 की, और वो जो टेक्स्ट बुक्स थे, जर्नल्स थे, स्टोर्स थे, वो दिए मैंने उनको 50,000 कॉलेज में पढ़ाने के. टोटल खर्चा सैलरी की तरफ 9 लाख. तो इंडिविजुअल स्टोर कंज्यूम में खाली डिस्ट्रीब्यूट कर, आप अलग अलग भी कर सकते हो. टू स्टोर कंज्यूम सब चारों अलग, और सैलरी वैलरी सब चारों अलग, नो प्रॉब्लम. ऐड करके दिखा तो बेटर है, उसी का खर्चा. रिसर्च पे देखो, टू रिसर्च, वो रिसर्च का एक्सपेंस है नॉर्मल, that is 1,20,000 plus stores consumed for research. Research का कितना है stores consumed? 1,50,000. तो जो 3 लाख रुपीज था उसी का मैं ब्रेकअप दिखा रहा हूँ यार. Did you understand? 3 लाख रुपीज का ही ब्रेकअप आई एम शो. इवन इफ यू डोंट शो दिस ब्रेकअप, ये मतलब टीचिंग सैलरी अलग अलग नहीं करना है, रिसर्च अलग अलग नहीं करना है, तो पहले स्टोर्स का डिटेल दिखा दो, और फिर टीचिंग रिसर्च एक्सपेंस यू कैन शो देम सेपरेट, नो प्रॉब्लम. देन स्कॉलरशिप्स है, स्कॉलरशिप पे तो कुछ गया नहीं अपना स्टोर्स. दैट इज 80,000. स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस है, बट इसमें स्टोर कंज्यूम हुआ है प्लस स्टोर्स कंज्यूम. स्टूडेंट को वेलफेयर के लिए कुछ फ्री बुक्स दिया होगा, फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री जर्नल्स, तो वो स्टोर्स कंज्यूम फॉर स्टूडेंट वेलफेयर.
जस्ट लाइक वी गिव गुड्स फॉर सैलरी, सैलरी की तरफ हमने गुड्स दिया है तो हम लोग सैलरी में ऐड कर देते हैं. वैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर पे ये खर्चा हुआ है, पैसा गया है और बाकी गुड्स भी दिया है. कितने का गुड्स दिया है उसको? 75,000 ऐड करके दिखा दी. तो 1,14,000 The last one is student welfare के बाद repairs and maintenance. Repairs and maintenance are 1,12,000 Games and sports expense. Games and sports expense. $50,000 गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंस पे भी स्टोर्स कंज्यूम हुआ है तो प्लस स्टोर्स कंज्यूम गेम्स एंड स्पोर्ट्स. जैसे फ्री सैंपल के लिए गुड्स दिया तो हम एडवर्टाइजिंग में ऐड करते हैं, एम्प्लॉय को सैलरी के लिए दिया तो सैलरी में ऐड करते हैं. ऐसे में अलग अलग ऐड करके इधर दिखा दी. स्टोर्स कंज्यूम कितना है लास्ट में इनका? 25,000 audible. Screen आ गया, screen is visible. Now, stores हो गया. Stores का फंडा क्लियर है अभी सबको? बोलो, anyone any doubt in stores? खाली वो 3,00,000 अलग अलग दिखाओ या 3,00,000 इसके साथ ऐड करके दिखाओ. ओके, दैट्स फाइन. देयर इज अनदर वे ऑफ प्रेजेंटेशन व्हिच वाज आई वाज शोइंग यू. ऐसे भी करके दिखा सकते हैं बट दिस इज बेटर, ऐसे ही दिखाओ. उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दोनों जगह से माइनस कर देते हैं, कंज्यूम बाहर दिखा देते हैं, सेल में से और यहाँ से COGS माइनस कर देते हैं, वही आएगा. But this is better, show it like this. Then we have miscellaneous expense. So miscellaneous expense. That is 50,000. 65,000. Research fund investments. Research fund investments. R8 lakhs. Other investments. R18,50,000. And we have Provident Fund Investments. That is 5,10,000. Seminar and Conference Expenses. Seminar. ये Seminar and Conference का भी receipts दिया है आपको.
ये रिसीट माइनस एक्सपेंस करके भी आप नेट दिखा सकते हो सेमिनार का. ओके, सेमिनार का रिसीट्स माइनस एक्सपेंस करके इनकम साइड या अलग अलग दिखाओ, इनकम अलग एक्सपेंस अलग, इट इज फाइन. सेमिनार कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस आर 28,000. कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस, सो कंसल्टेंसी रिसीट्स भी है अपना, कंसल्टेंसी रिसीट्स माइनस एक्सपेंस करके भी दिखा सकते हैं. कंसल्टेंसी एक्सपेंस आर 1,00,000. लैंड बिल्डिंग प्लांट इज एसेट, अभी इस पर डेप्रिसिएशन उड़ा देना. लैंड पे तो आई थिंक 16 का लैंड है, नो डेप्री. बिल्डिंग इज 8,00,000. 1,00,000 का लैंड. कंसल्टेंसी और आपने सब अमाउंट एक एक अरे अरे ले लिया. मिसलेनियस कितना है? 65. मिसलेनियस वाज 65. रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट्स 8,00,000. अदर इन्वेस्टमेंट्स 1,850. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 5,10,000. Seminar and conference expense were 4,50,000. Consultancy were 28,000. Land is 1,00,000. Barabar. Building is 16,00,000. Less PFD for building. Not a PFD is a building ka tha hi nahi. ₹4,80,000 was original PFD plus 10%, right? So 1,60,000. 6,40,000. That is 9,60,000. Sir, building the 5%. 5% है. 80,000. So this should be 560. And 10,40,000. Plant and machinery was 8,50,000 less for plant. Plant and equipment 5,10,000 tha. Plus current year's debris is 10%, 85,000. So 595,000, and 2,55,000 actually. Furniture and fittings 6,00,000 were original. Okay, less PFD. है 336 प्लस 10% ऑफ 6,00,000 क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट है तो 60,000 396 सो 2,04,000 मोटर व्हीकल 1,80,000 आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी accumulated depreciation, so direct less depreciation 20%, that is 36,000. So now I got 144. There's no PFD on vehicles, direct. Okay,
यही पीएफडी है, यही डेप्री है फर्स्ट ईयर का. नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स देयर विल बी सम पीएफडी. द ब्रैकेट में यू कैन मेंशन पीएफडी. ओके, इट्स अ हैबिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक पीएफडी अकाउंट. सो या removed the amount from the assets and I've written it on the liability side. No, that is wrong. PFD should be subtracted from asset, just like RDD. RDD you don't write on liability, right? RDD you subtract from debts and show, na? Same. Don't show PFD on the liability. Subtract from asset. That'd be wrong. Cash at bank. $6,42,000. Library is $3,60,000. Okay. Material and consume जो भी है हमने ऑलरेडी यहाँ पे से लेस कर दिया है और हमने वापस डिटेल भी दिखा दिया. कैन यू सी दिस मटेरियल एंड स्टोर्स कंज्यूम इधर से लेस कर दिया जैसे हम करते थे सैलरी वगैरह सैंपल्स वगैरह. इधर कोई पीएनएल नहीं है तो उधर ही लेस करके उधर ही डिटेल दिखा दे बराबर है. देन ट्यूशन फी रिसीवेबल वन इफेक्ट एडेड सेकंड इफेक्ट इज एसेट. ट्यूशन फी रिसीवेबल दैट वाज 80,000. देन स्टोर्स एट सेलिंग प्राइस 10% दैट वाज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आएगा. वन इज लेस फ्रॉम द स्टोर्स ये कर लिया हमने. Second effect is assets, closing stock of stores, that is 1,25,000. इसमें सबका stores पड़ा हुआ है, teaching, research, student welfare, या sports and games, and appreciation. One effect is less from assets, second effect is expenditure. जरा खत्म हो गया, हम लोग काम करते हैं. ये एडवांटेज अपने को बोर्ड में नहीं मिलता टेक्नोलॉजी. डेप्रिसिएशन बाकी था एक्सपेंडिचर में तो लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन. किस किस पे था तो पहला बिल्डिंग पे था 80,000. था प्लांट एंड इक्विपमेंट था 85,000. इधर करंट ईयर का लिखना आपको. सेकंड इफेक्ट जो डेप्री का पीएफडी मत लिख देना. देन इट इज फर्नीचर थोड़ी 60,000. देन देयर इज मोटर व्हीकल ऑफ 46,000. सो व्हाट्स द टोटल डेप्री एनीवन हैज कैलकुलेटेड 261. So I think that completes the problem. कुछ hidden adjustment तो था नहीं. Can you tell me the surplus or deficit anyone has calculated? Surplus 319,000. Surplus is 319,000. What is the total? 33,48,000. 33,48,000. And surplus is mad kar do 319,000. What's the capital fund? 19,25,000. Tally's on? 61,10,000. Most important stuff was that stores and stock. They close some at a glance. तो दिखेगा नहीं थोड़ा पट हो रहा है. बैलेंस शीट करो ना तू.
बैलेंस स्टोर्स एंड स्टॉक का लॉजिक बैठ गया दिमाग में, फिर वो कहीं से भी घुमा के देंगे. अभी कभी क्लोजिंग स्टॉक दे देंगे, कभी कंज्यूम दे देंगे, कभी सेल दे देंगे. बिजनेस में यूज हुआ है तो वैसे ही लेस करके एक्सपेक्ट, वो याद है. सर उसमें आउटर कॉलम में हम लोग को टीओजीएस ही बताने का ना. हाँ दो तरीके हैं, टीओजीएस भी बता सकते हो और स्टोर्स कंज्यूम में जो फर्स्ट वाला मेथड दिखा रहा था तो मैंने कट किया, स्टोर्स कंज्यूम वाला भी दिखा सकते हो. उसमें आप लोग क्या करते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस दैट कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऑटोमेटिकली कंज्यूम्ड बाहर आएगा और फिर वही कॉस्ट आप सेल्स में से भी माइनस कर देते हो, 750 में से भी 675,000 ऐसे भी दिखा सकते हो. या ये दिखाओ तो बेटर है, डिटेल प्रेजेंटेशन है, इट इज बेटर, डू इट लाइक. एक और मेथड है प्रेजेंटेशन का, उसमें आप सीधा कंज्यूम्ड ही दिखाते हो, ओपनिंग क्लोजिंग टीओजीएस गायब भी कर देते हो और फाइनली सीधा प्रॉफिट दिखा देते हो. मॉड्यूल में वो लोग वैसे किया, मॉड्यूल का ही समय, बट दिस इज बेटर प्रेजेंटेशन, शो इट लाइक दिस, कंज्यूम लेस करके उधर ही डिटेल दिखा. बोलो सर. हाँ बोलो. जो कल का होमवर्क था उसमें 41 सम था ना, उसमें बैलेंस शीट और 2017 बोला था, तो उसमें तो चाहिए वो प्रिंटिंग एरर था, 16 था. ओके 17 के बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं सर. एक बार लास्ट बार ये सेलिंग प्राइस वाला समझा दो ना. सेलिंग प्राइस वाला कॉस्ट यही स्टोर्स वाला. हाँ देखो स्टोर्स में है ना, तुमने ओपनिंग स्टॉक कितना था तुम्हारे पास, 3 लाख था, दैट वाज योर एक्सपेंस. परचेज और किया 8 लाख, दैट इज अगेन योर एक्सपेंस. फिर 3 लाख का गुड्स तुमने कंजम्पशन में दे दिया, मतलब हम लोग देते हैं ना सैलरी लॉस एडवर्टाइजमेंट इसमें दे दिया, तो यहाँ से डिडक्ट किया और पीएनएल डेबिट में लिखते थे ना तुम लोग. पीएनएल डेबिट में अगर सैलरी के लिए तो सैलरी में ऐड, एडवर्टाइजमेंट के लिए तो एडवर्टाइजमेंट में ऐड, फ्री सैंपल्स, मालूम है. तो वैसे यहाँ पे हमारा सैलरी के लिए ये स्टोर कंज्यूम है तो मैंने सैलरी में ऐड किया, रिसर्च के लिए हुआ तो रिसर्च में ऐड किया, स्टूडेंट वेलफेयर तो स्टूडेंट वेलफेयर में ऐड किया. इधर से लेस कर दो क्योंकि ये बिका हुआ गुड्स का पार्ट नहीं है, सोल्ड गुड्स का पार्ट नहीं है. इधर से लेस किया और इंडिविजुअल में दिखा दिया. इधर हमारे पास कोई पीएनएल नहीं है, ट्रेडिंग भी यही है, पीएनएल भी यही. एंड देन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया समझा ना, ये दिस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाज 675,000, इतने का बेचा था तो 3 लाख, ये 675 कैसे आया, 750,000 का 10% माइनस करके. समझ गया समझ. तो अभी ये मिल गया अपने को परचेज का नेट वैल्यू, ये हमने निकाल के पीएनएल में डाल दिया और ये क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम कंज्यूम्ड एंड एसेट. सर बोलो. ये जो इंडिविजुअल अमाउंट्स दिए हैं वो हम लोग ने अज्यूम किया है कि कॉस्ट प्राइस पे, वो कॉस्ट प्राइस पे ही है, अज्यूम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे देखो दिया है मटेरियल एंड सप्लाइड कंज्यूम्ड बाय द कॉलेज, कॉलेज खुद कंज्यूम करेगा, तुम सैलरी है, सैंपल है, लॉस बाय फायर है, कौन से प्राइस पे दिखाते हो, कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हो ना, खुद खुद को कभी प्रॉफिट तो चार्ज करोगे नहीं. सेम लॉजिक, यू कैन नॉट चार्ज योर यू प्रॉफिट टू योर ओन सेल्फ, कंज्यूम्ड आर ऑलवेज एट कॉस्ट, दे वोंट स्पेसिफाई, ओनली द सोल्ड गुड्स विल बी एट प्रॉफिट. गॉट इट? यस. ओके बढ़े आगे. अर्जुन एक प्रॉब्लम भेजा, इम्पोर्टेंट वाला सम नंबर 32, was 44, let's move to 32 हो गया है. होमवर्क था 32 हो गया है सॉरी 32 हाँ नहीं नहीं बात है सर,
Following was the receipt and payment account of X club for the year ended 31st March 16. अपने को income and expenditure और balance sheet बनाने का है. Capital fund नहीं दिया है तो दोनों बना देंगे. Draw कर लेते हैं फिर discuss करता हूँ. Some number. हम करें सर खुद. Seven. कर सकोगे. एक एडजस्टमेंट ट्रिकी है. चलो वो बता दो तो फिर आप लोग करने का चालू करो. पहले तो जनरल डिस्कशन कर लेते हैं सम का. आरआई होगा सब. ग्राउंडमैन्स फी. ग्राउंडमैन्स फी कहाँ जाएगी? ग्राउंडमैन्स फी एक्सपेंस. मोइंग मशीन. मोइंग मशीन इज एसेट. वो ग्रास काटने का मशीन. मोइंग मशीन इज एसेट. रेंट ऑफ ग्राउंड इज एक्सपेंस. Mowing or moving, mowing. Rent of ground is expense. Cost of tees is expense. Spares are expense. Renting an office expense are expense. Repairs to equipment are expense. Honorarium to secretary and treasurer of 2015 का अभी क्यों pay किया? Outstanding. 2015 में वो outstanding होगा. Balance at bank as per passbook. Balance at bank as per passbook दिया है. Deposit, current and cash. Cash तो cash ही है. Current account passbook का होता है. हमें कौन सा balance generally चाहिए यहाँ पे? Cash book का चाहिए. Passbook का दिया है. अगर कुछ info नहीं है तो हम assume करते हैं कि passbook, cash book are same. There's no need to reconcile or anything. Cash in hand, balance and bank and deposit. Opening balance, that is last year's asset. Deposit and current account. Bank interest is income. ये मिला है अपने को interest bank से. Deposit पे कुछ मिला होगा. Donation and are income. Receipts from teas are income. Contribution to fairs are income. Sale of equipment. Is this book value or sale value? Sale value. So book value search करना है. Net proceeds of variety entertainment. That is income. Club है. And donation for fourth coming tournament. Tournament का donation. तो क्या करना है? Liability. Specified donation. Purpose is specific donation. So, tournament है. मतलब it is as good as tournament fund. Tournament का donation, cricket का donation, party का donation. Specified नाम करके दे दिया तो that is endowment fund. So that is liability. Purpose is specific. Now, subscription due. Subscription due दोनों दिया है 15 and 16, 31st April 16 and 31st March 16. Dhara, opening subscription kya karogi? Outstanding. Less from subscription and? Last year. Assets karna padega, last year asset kyunki year wise nahi diya. Current year outstanding kya karna hai to add to subscription and assets. Amount due for printing matlab outstanding hai, add to printing and लाइबिलिटी करंट ईयर का लास्ट ईयर का लेस एंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी बराबर है. चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर. चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट्स फॉर रिपेयर का मतलब क्या होता है? चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट्स फॉर रिपेयर. आउटस्टैंडिंग बैंक के हिसाब से. Not exactly an outstanding expense. Checks unpresented का meaning क्या हुआ? Checks unpresented bank, का meaning bank ने अभी तक present नहीं किया. हमने deposit कर दिया. हमने issue कर दिया है repair का checks, लेकिन अभी तक present नहीं हुआ. ठीक है? So think about it. हमने issue किया है, मतलब expense incur हुआ. मेरे पास कोई रिपेयर का बिल आया, मैंने चेक फाड़ के दे दिया, मतलब रिपेयर का एक्सपेंस तो इनकर हो चुका है. अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो मतलब क्या पासबुक में एंट्री आई है इसकी? नहीं आई है, करनी बाकी है. तो हाउ विल यू टैकल दिस? लेट्स से द करंट ईयर रिपेयर
the amount is 260. How will you tackle it? Less from bank, from asset. And what is the second? Expense. क्योंकि obviously अपने को जो receipt payment दिया है वो passbook का balance दिया है वहाँ पे. तो receipt payment में जो repairs and equipment दिख रहा है 500, उसमें ये included होगा कि नहीं होगा 260? नहीं होगा. तो हमें add करना है basically. It is not an outstanding expense, guys. It is an incurred expense, but the bank has not passed the entry for that. That is the problem. It is an incurred expense, but the bank has not passed the entry. And we have shown the receipt and payment account as per the balance in passbook. So obviously that 260 is not included in these repairs. So you add 260 and you subtract from that passbook balance. What is that passbook balance? Can you all check at the end? What is the passbook balance at the end? That is 150 rupees. Hello? कौन सा लेने का सर, करंट की कैश? करंट कैश थोड़ी पासबुक में होता है. करंट थोड़ी पासबुक में. करंट तो कैश बुक, कैश कॉलम. कैश तो कैश बुक, कैश कॉलम. करंट इज इन पासबुक. तो करंट का बैलेंस कितना है? 150 माइनस 260 कितना होता है? 150 माइनस 260 इज माइनस ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट तो क्लोजिंग में ओवरड्राफ्ट हो जाएगा आपका. आई थिंक 90 रुपीज, नहीं 110 रुपीज. 110 रुपीज का ओवरड्राफ्ट हो जाएगा. इफेक्ट समझ में आ रही है बात? एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर, सो यू ऐड. इट्स नॉट आउटस्टैंडिंग, इट इज इनकर्ड. बट सिंस वो पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंस में भी नहीं हुआ होगा ऑब्वियसली. नहीं तो टैली नहीं होगा आपका रिसीट एंड पेमेंट. तो रिसीट ऐड, रिपेयर्स में ऐड, इनकर्ड एक्सपेंस बट चेक नॉट प्रेजेंट है. तो हमने हमारा कैश बुक का बैलेंस ला दिया वहां पे, पासबुक से हटा के कैश बुक पे लेके आए. तो पासबुक में से माइनस. वैसे ही ओपनिंग का क्या करोगे? देखो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया, ओपनिंग रिपेयर्स कितना है? 300 रुपीज. तो साल के बिगिनिंग में ये चेक अनप्रेजेंटेड था. साल के बिगिनिंग में ये चेक अनप्रेजेंटेड था. तो थिंक अबाउट इट, ये चेंज कैसे करेंगे हम? सबट्रैक्ट करने का और रिपेयर्स में से माइनस करेंगे. सब रिपेयर्स में से माइनस कर दोगे ऑब्वियसली. ओपनिंग में सबट्रैक्ट करेंगे ना. लास्ट ईयर का एक्सपेंस था, ओपनिंग में अनप्रेजेंटेड था. ये साल में तो प्रेजेंट हो चुका होगा, मतलब रिपेयर्स में ऐड कर दिया होगा तुमने. बट ये कौन सा रिपेयर का खर्चा है? लास्ट ईयर का है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओपनिंग में 300 रुपए का चेक अनप्रेजेंटेड था. अनप्रेजेंटेड का मतलब क्या? कैश बुक से निकल गया लेकिन पासबुक से नहीं निकला. तो पासबुक में ये महीने में एंट्री ये साल में आया ही होगा ऑब्वियसली. 12 महीने तक अनप्रेजेंटेड हो नहीं सकता. तो पासबुक में प्रेजेंट कर दिया मतलब वो एक्सपेंस में ऐड हो चुका है, लेकिन नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट एक्सपेंस बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर. तो व्हाट आर वी सपोज टू डू? Less from repairs. And what is the second effect? Less from repairs and second effect kya ho? Less from the opening balance. Less from the opening balance of passbook. Why less? Samjha? Jaise ye saal mein ye saal ka less kiya. Ye saal mein ye saal ka less kiya. Present hona chahiye. Waise last year mein opening balance mein you will subtract last year ka item. 600 ka balance tha. निकल जाना चाहिए था, निकला नहीं था. निकल जाना चाहिए था क्योंकि लास्ट ईयर चेक इश्यू हो चुका था. तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो पासबुक का बैलेंस अपने को बैंक का दिया है हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कैश बुक के बैलेंस. टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो वी अज्यूम दैट पासबुक बैलेंस एंड कैश बुक बैलेंस आर सेम, बट हियर दे आर डिफरेंट. तो ये चेक इश्यू किए थे लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए थे. प्रेजेंट नहीं हुए थे मतलब पासबुक में एंट्री नहीं आई थी. नहीं आई थी मतलब अभी आनी चाहिए. आनी चाहिए मतलब क्या? माइनस होगा कि प्लस होगा? तो माइनस होगा क्योंकि इश्यूड चेक है. यही डिपॉजिटेड चेक होता तो ऐड करते दोनों बैलेंस में ऐड कर देते. इश्यूड चेक है इसके लिए माइनस कर रहे हैं, दोनों जगह से माइनस कर रहे हैं. कैश बुक का बैलेंस ला रहे हैं. तो बेसिकली बिगिनिंग पासबुक बैलेंस 600 इज नॉट करेक्ट. इट शुड हैव बीन 300.
300 रुपया माइनस होना चाहिए था कैश बुक के हिसाब से, तो वो मैंने कर दिया। एंड रिपेयर्स में क्यों 300 माइनस किया और क्यों 260 ऐड किया, ये समझ आ रहा है? सर 300 क्यों किया वो समझा नहीं। हाँ, 300 किस लिए माइनस कर रहा हूं मैं, क्योंकि 300 लास्ट ईयर का एक्सपेंस था, बराबर है? 300 वॉज लास्ट ईयर एक्सपेंस, तो लास्ट ईयर का रिपेयर में दिखना चाहिए था। हमने तो चेक इश्यू कर दिया लेकिन बैंक ने प्रेजेंट नहीं किया, तो इस साल के रिपेयर्स में उसने बिगिनिंग में पे नहीं किया था, शुरू में पे नहीं किया होगा, बट बाद में डाउन द लाइन जैसे साल आगे बढ़ा होगा वो चेक क्लियर हुआ होगा, वो चेक क्लियर हुआ होगा तो रिपेयर्स में भी ऐड हो गया रहेगा वो अमाउंट। तो अभी रिपेयर्स जो दिख रहा है तुमको 500, इट इंक्लूड्स दैट 300 क्योंकि बाद में चेक क्लियर हुआ है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर का एक्सपेंस है, हमने लास्ट ईयर के रिपेयर्स में कर दिया रहेगा चेक इशू करते वक्त, लास्ट ईयर का बैलेंस हमने कैश बुक के हिसाब से करने का ट्राई किया रहेगा क्लोजिंग बैलेंस, बट यहाँ पर पासबुक का बैलेंस दिया है अपने को, वी आर कन्वर्टिंग दैट पासबुक बैलेंस टू कैश बुक बैलेंस मेकिंग दैट 600-300, पासबुक में हुआ ही नहीं है, समझा कि नहीं? समझा। तो पासबुक में क्योंकि नहीं हुआ है इसलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं, पासबुक में हो चुका होता तो प्रॉब्लम नहीं था, तो बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक वुड हैव बीन द सेम। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, एकदम ध्यान से देखना, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट एट 800 एंड एट द एंड वाज 1750, तो बिगिनिंग 800 था एंडिंग 1750 है, इसका मतलब आपने कुछ इक्विपमेंट खरीदा है, कितने का खरीदा है? 950 का खरीदा है, 950 का खरीदा है राइट, बट बेचा भी है हमने कुछ, 80 रुपीज का बेचा भी है, कैन यू ऑल सी दैट? तो अभी मशीनरी इक्विपमेंट का क्या झोल है बता सकते हो मेरे को? कैन एनीवन ट्राई एंड टेल दिस व्हाट इज हैपनिंग इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट? सर ये मूविंग मशीन भी यही साल का एक्सपेंस आएगा ना? यस, यही साल का एसेट है, पूरा पिक्चर दिखाओ मेरे को मशीनरी एंड इक्विपमेंट का, एनीवन प्लीज ट्राई। सर लास्ट ईयर का 800 होगा और ये साल मूविंग मशीनरी खरीदा होगा तो, और बाद में डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा और भी है ना, सेल और सेल भी किया होगा, तो करो कितना आ रहा है, 800 रुपए का ओरिजिनल था 1030 आएगा क्या? देखो 800 ओरिजिनल था लास्ट ईयर का, फिर हम उस पर क्या करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं और डेप्री करते हैं, तीन एडजस्टमेंट पॉसिबल है, तो क्लोजिंग वैल्यू पता है अपने को दैट इज 1750, तो सेल कितने का किया 80, बुक वैल्यू तो कहीं मेंशन नहीं है तो आई एम अज्यूमिंग बुक वैल्यू इक्वल सेल वैल्यू, परचेज मूविंग मशीन खरीदा है, कितने का खरीदा है मूविंग मशीन चेक करूँ, 1500 का बाय किया है तो कितना होना चाहिए ये 470, तो 470 का डेप्री आना चाहिए इस पे, बैलेंसिंग फिगर इज डेप्री, दोनों में से एक चीज दिया होगा या तो डेप्री या तो क्लोजिंग वैल्यू, समझा? बोनस टू सॉरी इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक 20 रुपीज, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक 20 रुपीज 31st March 16 और करंट अकाउंट में ऐड, बोलो बोलो क्या? इंटरेस्ट में ऐड होगा और करंट अकाउंट में ऐड होगा, इंटरेस्ट में ऐड होगा करंट अकाउंट में ऐड होगा, क्यों? बुक में नहीं किया ना, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इंटरेस्ट पहले कौन रिकॉर्ड करता है? बैंक, बैंक करता है, तो बैंक में आएगा तभी वो इनकम गिना जाएगा, unless and until it is credited वो income नहीं है, receivable है मतलब, are you getting this? पहले passbook में होता है ना interest, फिर cash book में होता है, मतलब ये साल का भी record नहीं किया मैं,
हाँ ये साल का इंटरेस्ट रिसीवेबल है, पासबुक नहीं नहीं किया है, तो पासबुक करेगा फिर हम कैशबुक में करेंगे ना। ये पहली एंट्री की इंटरेस्ट की एंट्री पहली कैशबुक में आती है। ऊपर क्या था, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वो हमारा था तो वो तो पासबुक में आना ही चाहिए था, इसलिए हमने कर दिया। ये पासबुक में आने वाला है, जब आएगा तभी कर देंगे रिकॉर्ड, इसको जबरदस्ती मत रिकॉर्ड करना। आर यू गेटिंग दिस? इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, तो वो पहले कैशबुक में नहीं होने वाला। याद है पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन बताया था कैशबुक पासबुक का, बीआरएस करते वक्त जब चेक डिपॉजिट होता है तब कैशबुक में एंट्री होती है, फिर जब क्लियर होता है तब पासबुक में होती है, चेक इश्यू होता है तब कैशबुक में, क्लियर होता है तब पासबुक। बैंक क्रेडिट करता है जब इंटरेस्ट, तब पहली एंट्री पासबुक में आती है, देन दैट एंट्री अपीयर्स इन कैशबुक व्हेन यू लुक एट द पासबुक और व्हेन यू गेट एन इंटीमेशन फ्रॉम द बैंक। When the bank debits bank charges, the first entry will come in passbook. And then when you get an intimation, you pass that entry in cashbook. So, yahan par niche diya hota, bank charges not debited in passbook. Bank charges not debited in passbook. Matlab payable to hai, incur ho gaya expense. Lekin passbook mein record nahi kiya. To kya zabardasti record kar doge abhi? Nahin, cashbook mein pehle mat kar dena. Ye entry pehle passbook mein hi aani chahiye. फिर कैशबुक में आई। वो चेक वाली हमने क्यों की, क्योंकि वो कैशबुक में आनी चाहिए थी, पहले हो चुकी थी, इसके लिए हमने चेंज की। ये एंट्री कैशबुक में नहीं आनी चाहिए। ये आपका बीआरएस का इधर कंसेप्ट टेस्टिंग हो रहा है। समझो मैं आपको बोलता यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। तो डिक्लेयर हो चुका है, इनकम रिसीवेबल है बट पासबुक में क्रेडिट नहीं किया, तो इट इज इनकम रिसीवेबल, ऐड टू इनकम एंड एसेट, बट एसेट में रिसीवेबल दिखाओ, डोंट ऐड इट टू पासबुक, बिकॉज इफ यू ऐड इट टू पासबुक आप ऐसे बता रहे हो कि कैशबुक में आपका पासबुक से पहले रिकॉर्ड हो रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट। लेकिन अगर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड होता, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड होता, तो क्या हम वो एंटर करते यहाँ पे पासबुक में, चेंज करते बैलेंस हम पासबुक का, कर देते हम कैशबुक का बैलेंस लेके आते वहां पे, क्योंकि कैशबुक में वो एंट्री हो चुकी है, पासबुक के बैलेंस को चेंज कर रहे हैं और बेसिकली कैशबुक का बैलेंस बना रहे हैं। बट ये इंटरेस्ट है या डिविडेंड है या बैंक चार्जेस है, ये आप कैशबुक में पहले कर ही नहीं सकते जब तक पासबुक में हुआ नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैशबुक में एंट्री नहीं आई है अभी तक, तो ऐड करके बताओ मत, आपके साल के एंड में कैशबुक में ये एंट्री आई नहीं है अभी, पासबुक में क्रेडिट होगा फिर कैशबुक में होगा। So it is interest receivable, add to interest and assets, assets mein don't add to bank balance, so it's separate interest receivable. Bonus to groundman outstanding, outstanding bonus ka entry kya hoga, add to groundman fee and liability, and for the year 31st March 16, honorarium to secretary and treasurer are to be increased by a total of 200. ऊपर देखो ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर कितना पे किया था हमने, 400। वो कौन सा था, करंट ईयर की लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का ये साल पे किया। अच्छा ये साल का कुछ भी पे किया है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है पेमेंट में, कुछ नहीं दिख रहा है, और बोल रहा है कि 200 रुपए से बढ़ाओ, तो 600 विल बी आउटस्टैंडिंग, तो 600 विल बी आउटस्टैंडिंग पूरा का पूरा, क्योंकि एक भी रुपया दिया नहीं है। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ दिस, आनी चाहिए वो दिखाओ, उसमें आप चेंज करके दिखाओ पासबुक, बट जो एंट्री आपके कैशबुक में नहीं आनी चाहिए उसके लिए डोंट चेंज योर पासबुक बैलेंस, वो रिसीवेबल या पेएबल दिखा दो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, तो इसीलिए वो चेक इश्यूड वाला हमने चेंज किया था, पासबुक बैलेंस में से चेंज कर दिया। सर या जो ऑनरेरियम 2015 का है वो क्यों एक्सपेंस में आएगा? वो थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, 200 आएगा ना। नहीं नहीं, 400 तो लास्ट ईयर का पे किया है तुमने, और ये साल बोल रहे कि 200 से बढ़ाओ। हाँ, अभी ऑनरेरियम 600 कर दिया ना। अच्छा, मतलब करंट ईयर के लिए 600 है ना, मतलब लास्ट ईयर जो था उस पे 200 बढ़ा के वो करंट ईयर है। नहीं 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 नहीं, लास्ट ईयर का तो 400 पे कर दिया है, वो खत्म फिट्टू। करंट ईयर मतलब वो खत्म, उस पे जो 200 ऐड करना है वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। हां, वो करंट ईयर का एक्सपेंस है, कुछ भी पे नहीं किया इसलिए पूरा आउटस्टैंडिंग। ओके, एक्सपेंस इन लाइफ 600। सर वो चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स वाला एक बार रिपीट करो ना। मैं वापस अभी सम के साथ बता रहा हूँ, सम के साथ करते हुए बता, ज्यादा क्लियर है। सर बहुत ज्यादा भारी हो गया आज का लेक्चर, भारी हो गया। दो नए कंसेप्ट है ना, देखो गुड्स का था और ये एक टैक्स का आ गया, बीआरएस का। ये लास्ट सम करते हैं अपन बस। सर आप कर रहे हो ना ये सॉल्व? हाँ भाई, ऑफिस। हाँ सर, वो ऑनरेरियम जो पासबुक में दिया है वो लास्ट ईयर लायबिलिटी में आएगा ना? हाँ, लास्ट ईयर लायबिलिटी, लास्ट ईयर का ये साल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ग्राउंडमेंस फी देख लो, आउटस्टैंडिंग था ना 300, तो इसी में ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग बोनस 1050। मोइंग मशीन, मशीन है ना, तो पूरा बैलेंस शीट खत्म करो पहले, लास्ट ईयर से करंट ईयर में लेके आओ। तो लास्ट ईयर मशीन दिखा ना, दिस इज 31 मार्च 2015 का बैलेंस शीट। तो लास्ट ईयर मशीन एंड इक्विपमेंट 800 रुपया कितना था यहाँ पे हमने बनाया, 800 रुपया। ब्रिंग इट टू दिस ईयर, मशीन एंड इक्विपमेंट 800, ये समझा लास्ट ईयर का करंट ईयर में आ गया। अभी इस पे तीन एडजस्टमेंट्स अपने को करना है, सेल परचेज और डेप्री, राइट। पहले सेल में विच वैल्यू यू विल सब्ट्रैक्ट, आई थिंक बुक वैल्यू। What is the book value? 80 rupees. क्योंकि सेल वैल्यू नहीं दिया है कुछ अलग से, we assume book value equal sale value. Then purchase, तो purchase of mowing machine. तो ये 800 क्यों आया? 800 दिया है ना आपको लास्ट ईयर का एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, देखो लास्ट ईयर एसेट का ओपनिंग वैल्यू मिला, तो ओपनिंग को करंट ईयर में लाया, बुक वैल्यू माइनस किया, फिर परचेज ऑफ मूविंग मशीन ऐड कर दिया, दैट इज 1500। तो कितना मिला ये 2220, फिर लेस डेप्रिसिएशन, अभी डेप्री नहीं पता है लेकिन क्लोजिंग वैल्यू दिया है अपने को, इज द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट 1750। तो 470 मिला था आपको डेप्रिसिएशन, ये समझा। ओके, देन रेंट ऑफ ग्राउंड, तो टू रेंट ऑफ ग्राउंड दैट इज 250, रेंट आउटस्टैंडिंग तो नहीं है,
कॉस्ट ऑफ टीज, बाकी पूरा सब नॉर्मल ही है, छोटा भी है बट खाली वो बैंक का भी आरएस का करना पड़ता है। सर वो जो रिपेयर्स वाला है ना एडजस्टमेंट चेक्स अनप्रेजेंटेड, तो उसमें जो एक्सपेंस में से लेस करना है तो वो रिपेयर्स टू इक्विपमेंट उसमें ही करना है इफेक्ट। हां रिपेयर्स टू पैसा, और वो जो आउटस्टैंडिंग होगा करंट ईयर मैं तो बता रहा हूं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं एक सेकंड। प्रिंटिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस एक्सपेंस, रिपेयर्स का मैं बता रहा हूं। ऑफिस एक्सपेंस आर 280, देन रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, अभी रिपेयर्स टू इक्विपमेंट एकदम ध्यान से देखना, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। सर प्रिंटिंग में एडजस्टमेंट है, है क्या 280 क्या एडजस्टमेंट है, दोनों ड्यू थे 100 और 80, लेस आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग करंट ईयर, तो लास्ट ईयर का था 100, ये साल का है 80, कितना होता है ये 260। फिर आता है रिपेयर्स, तो ये रिपेयर्स टू इक्विपमेंट का सीन क्या हुआ है, तुम समझो लास्ट ईयर में, गो बैक टू लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर तुमने 300 रुपए का चेक इश्यू किया रिपेयर का, एक्सपेंस हो गया था इनकर, तुमने चेक इश्यू कर दिया, ठीक है, और लास्ट ईयर तुमने समझो कैश बुक का बैलेंस में वो चेंज कर, कैश बुक में ही बैलेंस दिखाते हो, कैश बुक का बैलेंस में आ गया, रिपेयर खर्चा दिखा दिया और बना दिया, ये साल तुम पासबुक का बैलेंस से दिखा रहे हो तुम्हारा जो है रिसीट एंड पेमेंट, यहाँ पर पासबुक का बैलेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस होना चाहिए, बट अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि पासबुक बैलेंस इज इक्वल टू कैश बुक बैलेंस, हमारे रिसीट पेमेंट में कैश बुक का ही बैलेंस होना चाहिए, वो दिमाग में रखो पासबुक का नहीं होना चाहिए, बट इफ नो इन्फो इज गिवन वी अज्यूम कैश बुक बैलेंस इज इक्वल टू पासबुक बैलेंस। ओके नाउ लास्ट ईयर तुमने रिपेयर के लिए 300 का चेक इश्यू किया, 300 का चेक इश्यू किया और वो प्रेजेंट नहीं हुआ है, लास्ट ईयर के बिगिनिंग में प्रेजेंट नहीं हुआ है, मतलब पासबुक में एंट्री आया है कि नहीं आया है बोलो मेरे को, नहीं आया है, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है आपको पासबुक का दैट इज 600, वो 600 रुपए में ये चेक है कि नहीं है, नहीं है, मतलब व्हाट इज द एक्चुअल बैलेंस चेक माइनस कैश बुक का, भले इसमें नहीं है कैश बुक का क्या रहेगा बैलेंस, इससे 300 रुपया ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, कम रहेगा, हमने किया है बीआरएस में, ये देखो लास्ट ईयर का सीबी टू पीबी, पीबी टू सीबी जा रहे हैं सॉरी पीबी टू सीबी इश्यूड चेक था, सीबी गोज डाउन पीबी फ्लैट एरो गोज डाउन सो माइनस 300 और लास्ट ईयर पीबी का बैलेंस था 600, सीबी का बैलेंस होना चाहिए 300, तो लास्ट ईयर मतलब क्लोजिंग बैलेंस और ये साल का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक शुड नॉट बी 600, इट शुड बी 300, चेक इश्यू हो चुका है। श्रुति व्यास, श्रुति आर यू लिसनिंग नाउ, हेलो पे अटेंशन, सो 300 रुपीज इज योर बैलेंस एज पर कैश बुक, श्रुति व्हाट्स रॉन्ग, श्रुति व्यास आर यू लिसनिंग, श्रुति व्यास व्हाट्स रॉन्ग, Now, passbook का बैलेंस was 600 रुपीज बट कैश बुक का बैलेंस was it 600 और 300, it was 300 क्योंकि चेक इश्यू कर दिया है, बराबर है,
तो हम लोग कैश बुक का बैलेंस बना रहे। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अबाउट रिपेयर्स। ये जो रिपेयर आपको 500 दिख रहा है, कैन यू सी दैट रिपेयर्स एट 500? डज दिस 500 इंक्लूड दिस 300? यस और नो? तो यस, ये इसके अंदर है। क्यों है? क्योंकि बिगिनिंग में ये चेक क्लियर नहीं हुआ था, बट डाउन द लाइन ईयर के बीच में कभी तो क्लियर हुआ होगा। तो क्लियर हुआ होगा तो वो 300 रुपया ये साल पासबुक में एंट्री में आया होगा, और इसीलिए ये रिपेयर में भी आया होगा 300। बट सर, हम तो कैशबुक के बैलेंस के हिसाब से नोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो उसके हिसाब से आ गया होगा ना रिपेयर, उसके हिसाब से लास्ट ईयर में आ गया होगा, तो ये साल में आना चाहिए ना, तो इसलिए माइनस करना है 300 रुपीज। ये 500 के अंदर पड़ा है वो 300। पड़ा कैसे? क्योंकि ये साल चेक क्लियर हुआ है तो रिपेयर ये साल उसने डेबिट किया रहेगा पासबुक में, हमने वही छाप के लिखा है। बट नहीं होना चाहिए, एक्सपेंस लास्ट ईयर का होना चाहिए। ये रिपेयर हमने पासबुक से कॉपी करके लिखा है, जो पासबुक का बैलेंस दिख रहा है वहां पे। तो पासबुक में एंट्री 300 की ये साल आई है, लेकिन कैशबुक में लास्ट ईयर आ चुकी है, तो एक्सपेंस लास्ट ईयर का है। समझा? अभी ये जो 500 है ना, वी हैव कॉपीड इट फ्रॉम पासबुक। दिस 500 इंक्लूड्स दैट 300 बिकॉज़ द चेक मस्ट हैव बीन क्लियर्ड इन दिस ईयर। तो बाय रिपेयर्स की एंट्री या टू रिपेयर्स की एंट्री ऑन द डेबिट साइड ऑफ पासबुक तुमको ये साल दिखाई दे रही है, तो दैट्स व्हाई यू आर रिमूविंग दैट। ऑल द एक्सपेंसेस आर फ्रॉम कॉपीड फ्रॉम पासबुक। All the expenses and income are copied from passbook, but the rest of them have been included in cashbook also. There is no problem. I told you, if no info is given, you assume that entries have come in both the books, passbook and cash. Only problem area was this much. Okay. So now repair to equipment. Iske andar 300 pada hoga, to wo hata do. That is repair of last year, check not presented, that was 300. So ye minus kar rahe. Achha, abhi current year ka repairs ka kitna value hai? 260. Check unpresented for repairs, current year are 260. Can you all see that? Dikha? Now करंट ईयर का रिपेयर्स आर 260 रुपीज। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये भी चेक हमने ये साल इश्यू किया है, बट प्रेजेंट नहीं हुआ है। इश्यू किया है मतलब कैश बुक का एंट्री होना चाहिए। इज इट एन एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर? यस और नो? यस यस यस। बट इज इट रिफ्लेक्टिंग इन द करंट ईयर पासबुक एज ऑफ नाउ? नो नो। वाई? क्योंकि अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। एंड अवर टारगेट इज टू अराइव एट द करेक्ट कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैशबुक में हो चुका है, पासबुक में नहीं हुआ तो ठीक है, बट एक्सपेंस तो है ये साल का, तो व्हाट शुड आई डू? 260, शुड आई ऐड, शुड आई सबट्रैक्ट, और शुड आई कीप इट एज इट? यू शुड ऐड। नो, आई शुड ऐड, बिकॉज़ दिस इज एन एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। ऐड रिपेयर ऑफ करंट ईयर, सॉरी करंट ईयर, चेक नॉट प्रेजेंटेड। बेसिकली ये आउटस्टैंडिंग के जैसा ही है, लास्ट ईयर माइनस करंट ईयर ऐड, बट आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये पेड है, खाली बैंक ने पासबुक में अभी तक एंटर नहीं किया और हमें पासबुक का बैलेंस दिया। हाँ, ये लायबिलिटी में आएगा। हाँ, अभी सुनो, ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग नहीं है, पे कर दिया है, पासबुक में अभी तक एंटर नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैशबुक का बैलेंस ढूंढ रहे हैं पास। तो पासबुक का अगर 150 है तो उसमें ये 260 माइनस नहीं हुआ है, तो हमें कैशबुक में माइनस हो चुका है ना। वापस देखो यहाँ पे, पासबुक टू कैशबुक क्या होगा, ये सीबी टू सीबी जा रहे हो, एक एक्सपेंस है जो सीबी से जा चुका है, चेक इश्यूड है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, माइनस करोगे ना 260। टू अराइव एट द पर कैशबुक, आई विल सबट्रैक्ट 260 फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस। अग्री? I'll subtract 260 from the closing balance. Are you understanding? So 260 rupees you subtract from the balance as per passbook. Yahan pe to add karo kyunki expense hai.
एंड पासबुक के बैलेंस में से माइनस कर दो, लेकिन पासबुक का कितना है करंट अकाउंट बैलेंस 150 है, उसमें से अगर मैं 260 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा बैलेंस? नॉर्मल रहेगा कि ओडी हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा 110 का? ये बात ऐसा हो रहा है अभी, ये 460 हो जाएगा करंट ईयर का एक्सपेंस। मुझे एक बात बोलो, ये 260 का एंट्री नेक्स्ट ईयर पासबुक में आएगा कि नहीं? नहीं, पासबुक में आएगा। पासबुक में आएगा, कैशबुक में तो आ चुका है। ये 260 का एंट्री नेक्स्ट ईयर पासबुक में आएगा, अग्री? तब जाके पासबुक का भी ओवरड्राफ्ट हो जाएगा 110 का। यहां पर हमने कैशबुक का बैलेंस ढूंढा 110, क्योंकि कैशबुक रिकॉर्ड करना है अपने को, हमारे रिसीट हमारे अकाउंट्स। वी आर नॉट चेंजिंग द बैलेंस ऑफ पासबुक, अंडरस्टैंड दैट, वी आर अराइविंग एट द बैलेंस ऑफ कैशबुक फ्रॉम पासबुक। हम लोग कैशबुक के बैलेंस पे अराइव कर रहे हैं। शुरू में भी हमने क्या किया, ये 300 रुपया ओपनिंग बैलेंस है पासबुक से माइनस करके कैशबुक का बैलेंस अराइव किया, कैशबुक का बैलेंस लिखा, और ये 150 में से 260 माइनस करके कैशबुक का बैलेंस लिखा क्लोजिंग। वी आर नॉट राइटिंग द बैलेंस एज पर पासबुक ओवर हियर, वी आर चेंजिंग इट टू द बैलेंस ऑफ कैशबुक। ओके, हियर दे आर डिफरेंट, बाकी सब पॉइंट्स पे दे आर सेम। इज दिस क्लियर? तो पासबुक का बैलेंस इज स्टिल 150 ओनली, दैट विल चेंज इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन दैट चेक गेट्स क्लियर्ड। तो सर अभी ये जो एक्सपेंस हो रहा है वो दिखा रहे हो, बट आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो उसमें। हां, अभी मैं आता हूं इंटरेस्ट के बाद। इसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा 300 एंड 260? अभी बताया ना 300 और 260 दोनों पासबुक के बैलेंस में से अराइव करना है ना कैशबुक में, दोनों माइनस हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों में से माइनस, सबट्रैक्ट फ्रॉम बोथ द बैलेंस to arrive at the cash book balance. Balance as per passbook लिख दो अभी, नहीं sorry, honorarium to secretary लिख दो, honorarium to secretary. Is there any adjustment on honorarium to secretary? Honorarium to secretary ये 400 यहाँ का है कि last year का है? Last year. Last year का है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, last year outstanding था, ये साल 200 से बढ़ा है, तो ये साल कितना है पूरा outstanding? 600 ये जाएगा करंट ईयर लायबिलिटी, तो नॉर्मल था। अभी बैलेंस देखो, अभी मैं बैलेंस लिख रहा हूँ, आई एम मेकिंग द चेंज, देखो ध्यान से। क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक, दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारा टारगेट पासबुक नहीं है, हमारा टारगेट कैश बुक है। तो पहला डिपॉजिट अकाउंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये सेम टू सेम 3090। करंट अकाउंट, वो लोग ने पासबुक दिया, अपने को कैश बुक चाहिए, तो क्या करने का, ये 260 पासबुक में माइनस नहीं हुआ, कैशबुक में हो चुका है, तो मैं ये कैशबुक बैलेंस यहाँ पे दिखाऊंगा बैंक ओवरड्राफ्ट करके। दिस इज 150 माइनस 260, 110। दिस इज कैशबुक का बैलेंस, नॉट पासबुक, कैशबुक बैलेंस मैंने लिखा है। एंड कैश इन हैंड तो लेना देना है ही नहीं अपना पासबुक के साथ, कैश इन हैंड इज 250। ये है ना, प्रैक्टिकली आपके पास कैशबुक होगा, उसमें से उठा के डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन आपका नॉलेज टेस्टिंग के लिए वो लोग ने पासबुक का बैलेंस दिया और बोला कि ढूंढो कैशबुक का बैलेंस। ये हुआ उसका सेकंड इफेक्ट। वैसे ही ओपनिंग बैलेंस अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, कैश इन हैंड देखो, कैश इन हैंड इज 100, बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, लेकिन हम लोग अपने बुक में बैलेंस एज पर कैशबुक रिकॉर्ड करेंगे, नॉट पास, कैशबुक रिकॉर्ड करेंगे। तो कैशबुक का बैलेंस करंट अकाउंट 600 नहीं है भाई, 600 नहीं है, 600 में से 300 रुपये आई विल सब्ट्रैक्ट। वाई आई विल सब्ट्रैक्ट? फॉर दैट चेक इश्यूड इन द प्रीवियस मंथ, चेक इश्यूड इन द प्रीवियस मंथ, तो आई गॉट माई कैशबुक बैलेंस। एंड डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट इज एज इट इज, नो चेंज, 2236। ये है दूसरा इफेक्ट ऑफ दैट 300 एंड 260। We are not changing the passbook. We are arriving at the cash book. That you remember. Then bank interest. So bank interest is income. 30 rupees. Donation and subscription are income.
एडजस्टमेंट है उसमें बैंक इंटरेस्ट पे भी है क्या 20 रुपए अरे हाँ 20 रुपए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 20 रुपए बैंक इंटरेस्ट 30 रुपीज का क्या दिया है नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक तो मुझे दिमाग लगा के बोलो क्या ये कैशबुक में एंटर हुआ होगा नहीं नहीं पहले पासबुक में ही होता है कैशबुक में एंटर ही नहीं हुआ है तो शुड आई चेंज द कैशबुक बैलेंस नो इट इज रिसीवेबल तो सिंपली रिसीवेबल एड इंटरेस्ट रिसीवेबल बिलोंग्स टू दिस ईयर एंड सेकेंड इफेक्ट क्या होगा इसका करंट ईयर एसेट आई एम शोइंग इट हियर ओनली इंटरेस्ट रिसीवेबल 20 तो सर वो बैंक में क्यों ऐड नहीं होगा वो क्यों नहीं होगा ऐड तुम बताओ अभी मुझे मैंने तो बोला दो बार मिल गया लेकिन एक्चुअल बैंक में पैसे नहीं है मिला नहीं है अभी तक मिला ही नहीं रिसीवेबल क्योंकि मिलता तो पहला एंट्री किस में आता पासबुक में आता है ना फिर कैशबुक में वो रिपेयर के केस में पहला एंट्री कैशबुक में आ चुका था दैट्स व्हाई मैंने चेंज करके कैशबुक का बैलेंस ले लिया यहाँ पर मेरा कैशबुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस सेम ही है क्योंकि पासबुक में ही एंटर नहीं हुआ तो कैशबुक में कैसे होगा कैशबुक का बैलेंस विल नॉट बी चेंज अंडरस्टूड डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन ये सब आराम से घर पे बैठ के देखना वापस वापस समझ में नहीं आया तो वापस पूछना डोंट वरी The donations and subscriptions 2600 I don't think so है क्या subscription पे है ना due है 150 and 100 so less outstanding subscription last year 150 add current year subscription ये सभी एंट्रीज दोनों बुक में आई हैं तो बाकी कोई एंट्रीज में इश्यू नहीं है सेम ईयर में चेक्स क्लियर हो गए सबके या पैसे क्रेडिट हो चुके हैं कैश बुक में एंट्री आ चुकी है लफड़ा खाली वो दो आइटम का इंटरेस्ट और रिपेयर रिसीट्स फ्रॉम टीम्स दैट इज 300 कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स Sale of equipment we have already done. There is no profit, no loss. Net variety of entertainment. That is 780. Donation for forthcoming tournament. That is endowment fund. Five. Subscription due last year, current year. Last year asset 150, current year asset 100. Amount due for printing, last year liability 100, current year liability is 80. X unpresented, already kar diya hai, less opening closing. The equipment machinery ho gaya interest not yet entered that is interest receivable bonus to groundman outstanding bonus current year outstanding bonus that is 20 to 300 honorarium to secretary pura ka pura outstanding hai. That is फटाफट बोलो मेरे को सरप्लस आ रहा है डेफिसिट आ रहा है प्लस 40 रुपीस का 40 रुपीस 3780 टोटल है 3780 टोटल है कैपिटल है 3080 कैपिटल है 3080 वैल्यूअर है 5210 कैपिटल फंड 30 सरप्लस 40 रुपया ही है 40 आ रहा है सर मुझे तो कितना आ रहा है40 है 5210 पे टैली हो रहा है प्लीज चेक 5210 5210
सर आपने शायद ओपनिंग में ऑनररियम नहीं लिखा 400। हाँ ओपनिंग ऑनररियम मिस किया। आउटस्टैंडिंग ऑनररियम टू सेक्रेटरी लास्ट पर आउटस्टैंडिंग 400। पर मशीन लिखा ना 800 लिखा ना मशीन देख लो चेक कर लो आराम से इसको ठंडे दिमाग से वापस देखना गो थ्रू करना दोनों सम बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ वेयर मॉड्यूल सम्स टिल इफ यू आर स्टक इन एनी कांसेप्ट टास्क। आज का होमवर्क तो है लेकिन आपको दिखाना है आराम से सर आपने इनकम एक्सपेंडिचर में शायद से डेप्रिसिएशन नहीं लिखा। हां डेप्रिसिएशन 470 डेप्रिसिएशन तुमने लिखा है ना बराबर टैली हो रहा है ना सर हो रहा है चेक करना दोनों साइड इनकम एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन नहीं लिखा लिखा 40 सर 2 बज गया। हाँ मालूम है आज का सबसे बड़ा लेक्चर था और इम्पोर्टेंट भी 36 सम आज नहीं कल मैं चलो लेक्चर नहीं ले रहा हूँ आपका ठीक है आज आज का कॉम्पेंसेशन कल ठीक है कल आज पूरा परा प्रिपेयर करो टेस्ट के लिए अच्छे से कल शाम को हम लोग मिलेंगे 6:15 को टेस्ट के लिए और आपको होमवर्क अभी इतना टाइम है 36 प्रॉब्लम एक ही सम होमवर्क है आपका जस्ट वन सम 36 दैट्स इट यू कैन शो टू मी चलो कल रात तक दिखा देना ओके okay? कल रात को 10 बजे तक दिखा सेंड कर 8 बजे तो टेस्ट खत्म होगा कल तो आज का पूरा दिन कल का पूरा दिन है ना यार कल लेक्चर नहीं कल लेक्चर नहीं ले रहा हूँ मैं परसों आपका लास्ट लेक्चर है एमपीओ का एमपीओ खत्म होके आई स्टार्ट विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओके परसों तो कल अभी सिर्फ टेस्ट है 6:15 टू 8:15 और ये 36 मैंने बताया आपको हम नंबर 36 दैट इज फॉर होम ठीक है यू हैव एनी डाउट्स यू वेट अदरवाइज यू कैन लीव टाटा बाय बाय ऑल द बेस्ट